बोल एवरीवन, हरी हरी बोल, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रेंड्स, मैं नताशा पुरी चंबा से। तो सबसे पहले निखिल भैया जी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और साथ साथ में आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगी और कुछ शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने हम सबको इस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलाया। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला, गुरु हो निखिल भैया जी आप अनमोल। माता पिता ने जन्म दिया पर गुरु ने जीने की कला सिखाई है, गुरु ने जीने की कला सिखाई है, ज्ञान चरित्र और संस्कार की हमने शिक्षा निखिल भैया आपसे ही पाई है। नमन है ऐसे गुरु को, भाग्य हमारा जिन्होंने सवारा, जिनकी बदौलत है आज हम कुछ और हम जी रहे हैं ये जीवन न्यारा। थैंक यू सो मच निखिल भैया जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर सभी उपस्थित गुरुजन और हमारे सीनियर मेंटर, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ अपनी कुछ लर्निंग शेयर करना चाहूंगी कि मैंने गोलोक एक्सप्रेस को शिप्रा जी के माध्यम से, जो कि रिलेशन में मेरे मामी सास हैं, उनके ही माध्यम से मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया था। फिर मेरी फर्स्ट भागवत गीता की रीडिंग गीता जी और रितेश जी के साथ शुरू हुई और अब तक ये मेरी जो है वो सेकेंड रीडिंग उनके साथ कम्प्लीट हुई है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं बताऊँ तो हमारी फैमिली में सबसे पहले मेरे मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ ने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया था, क्योंकि उस समय मैं जो थी वो अपने मायके में थी। तो फिर उन्होंने मुझे यही बताया कि आज हमारा सत्संग का फर्स्ट डे है, जैसे जब उनका मुझे फोन आया। तो फ्रेंड्स, फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आज हमने, जैसे गीता जी ने हमें भागवत गीता के बारे में जो कुछ भी बताया है तो उससे हमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी मिली। तो फ्रेंड्स, फिर उन्होंने मुझे चैंटिंग के बारे में बताया, लेकिन वही बात थी कि चैंटिंग क्या होती है इस चीज का तो मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था। फिर जब उन्होंने मुझसे ये कहा, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कि जब हम इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे ना तो हमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, फिर जब मैं चंबा वापिस आई तो मैंने भी उनके साथ में गीता जी के सत्संग को ज्वाइन किया और सच बोलूं बात वही है कि जैसे मैं उस सत्संग को अभी तक मैंने सुना ही था तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे मन में जो क्वेश्चन थे मुझे तो उन सभी के ही आंसर मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही सोच रही थी कि इन सारी बातों का गीता जी को कैसे पता चला कि वो सारी बातें जो है वो मुझे बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने आप में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी को पाया और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे ही सारे मेरे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। तो फिर मैंने भी उस सत्संग को ज्वाइन किया और फ्रेंड्स, मैं तो यही बोलती हूँ कि सच में हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि हमें भागवत गीता जैसे पावन ग्रंथ को समझने का मौका मिल रहा है। तो इसके लिए निखिल भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जैसे अब मैं ये बताऊं कि जैसे मैंने अपने आप में क्या चीज पाया गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर, तो पहले ये था कि जैसे सुख होता था दुख होता था तो मैं यही सोचती थी कि बस हर वक्त प्रभु जी को ही ब्लेम करती थी कि भगवान जी, मैं तो सभी के साथ अच्छा करती हूँ लेकिन क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, बुरा होता है। लेकिन जब हमने भागवत गीता में पढ़ा कि गर्मी सर्दी के जैसे ये सुख दुख जो है वो हमारी लाइफ में आएगा, लेकिन हमें उसको क्या करना है, हरी कृपा और हरी इच्छा ही समझना है। तो बस अब हम वही समझते हैं कि हरी कृपा और हरी इच्छा समझ कर ही सुख और दुख को मतलब की फील करते हैं। फिर जैसे भोग की जो इम्पोर्टेंस थी उसका हमें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन भोग की इम्पोर्टेंस को भी जब हमें गीता जी ने बताया कि जब हम भगवान जी को बिना भोग लगाए हुए खाना, जैसे हम कुछ भी खाते हैं या पीते हैं तो हमें, हम जैसे पाप को ही ग्रहण करते हैं। तो सच में फिर हमने यही था कि 3 टाइम भोग भी लगाना शुरू किया और ये भी समझा कि जब हम भगवान जी को वो भोग लगाते हैं तो उससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है, उसमें
पॉजिटिव जो वाइब्रेशन होती है वो मिलती है हमें। फिर आरती का, माला जाप का और एकाशी फास्टिंग के बारे में भी सच में फ्रेंड्स हमें कुछ भी पता नहीं था, तो ये सारी बातें हमने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही सीखी फ्रेंड्स। फिर जैसे प्रभु जी लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना, उनके लिए वस्त्र सेवा करना, ये सारा कुछ जैसे हमने गोलोक एक्सप्रेस को जब से ज्वाइन किया तब से ही सीखा। तो फ्रेंड्स अगर मैं ये कहूँ कि जैसे हम जैसे कुछ भी होता था पहले तो बस बात बात पर प्रभु जी को ही ब्लेम करती थी, तो हमारा ये जो मिथ था ना ये भी क्लियर हुआ। तो सच में फ्रेंड भागवत गीता जो है वो हमें जीने की कला को सिखाती है, बस हम इसमें जितना ज्यादा डूबते जाते हैं हमें उतना ही आनंद आता जाता है। तो मन में जो भी सवाल होते हैं हमें उन सबके ही आंसर मिलते हैं फ्रेंड्स। जैसे पहले हर वक्त यही सोचती थी कि बस उदास रहना, कुछ भी करना, बस वही मेरे जीवन का लक्ष्य है, लेकिन नहीं, जब हमें गीता जी ने दो रथों की तुलना, कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस और फोर पिलर्स और स्पिरिचुअल लाइफ, एबीसीडी मॉडल, इन सबको करवाया, तो उनसे सभी से फ्रेंड्स मैंने यही समझा कि सबसे पहले तो जैसे दो रथों की तुलना आती है, तो ये सारा जो रथ था जंगली घोड़ों का रथ वो संपूर्ण मुझे ही दर्शा रहा है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां थी वो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं। तो सच में भैया जब तक हम अपनी बुद्धि में प्रभु श्री हरि को नहीं बिठाएंगे और मन की लगाम को हम प्रभु जी के हाथों में नहीं सौंपेंगे ना, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बस जैसे फिर उसके बाद प्रभु जी के प्रति हमारे मन में भाव जो था वो बढ़ने लगा और बहुत ही प्यारे प्यारे से डिवाइन एक्सपीरियंस भी होने लगे। सच बताऊं भैया जी, जैसे जब हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े नहीं थे तो कभी कोई कहता भी था ना कि हमारे साथ प्रभु जी की कृपा से जैसे कुछ हुआ, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि ये सारे ही झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब हमने भी इन सारी बातों को फील किया ना, तो हमने भी यही समझा कि सच में प्रभु जी की ब्लेसिंग तो होती है। तो फ्रेंड्स मैं भी आप सभी के साथ एक प्यारा जो है वो डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जैसे कुछ समय पहले शिप्रा जी चंबा आए हुए थे, तो उनके साथ में जैसे उनके लड्डू गोपाल जी और राधा रानी भी थे, तो लड्डू गोपाल जी का तो उन्होंने श्रृंगार करवाना था तो वो उन्हें लेकर आए थे। तो राधा रानी को उन्होंने जैसे लड्डू गोपाल जी को तो श्रृंगार करने के लिए दे दिया, लेकिन राधा रानी को वो घर में ले आए। फिर उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, जैसे अपने अपनी राधा रानी को हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ मंदिर में बिठा दिया। तो फ्रेंड्स सच में मुझे अपने लड्डू गोपाल जी को देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे आज मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत ही मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी राधा रानी उनके साथ में है। तो फ्रेंड्स बस मन में मेरे भाव यही था कई दिनों से कि हम भी राधा रानी को घर में लेकर आए, लेकिन बस इस बात से ही डरे जा रही थी। मैंने घर में किसी से नहीं कहा कि हम राधा रानी को ऑनलाइन मंगवाते हैं, लेकिन जब शिप्रा जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने भी अपनी राधा रानी को वृंदावन से ऑनलाइन ही मंगवाया है, और अगर आपके मन में भाव है तो मैं भी मंगवा देती हूँ। तो बस इतनी सी बात हुई। तो फ्रेंड्स उस समय ये था कि राधा अष्टमी को भी कुछ दिन बाकी थे, तो बस मैं उनसे यही कहने लगी कोई बात नहीं, राधा अष्टमी तक हमारी राधा रानी हमारे घर में आ जाए, बस आप उस हिसाब से ऑर्डर जो है वो कर दो। तो फ्रेंड्स जब हमने बात की तो वो जो भैया थे शॉपकीपर, उन्होंने कहा कोई बात नहीं 4 या 5 दिनों में पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखो मन में जो भाव था वही बात आ गई कि भाव रही जनार्दन है प्रभु जी। तो प्रभु जी ने, राधा रानी ने मेरे मन के भाव को समझा, और फ्रेंड्स राधा रानी हमारे घर में ठीक राधा अष्टमी के दिन, और उस समय राधा रानी का प्रवेश हमारे घर में हुआ कि जिस समय हमारा भागवतम का सेशन लगा हुआ था और हमारे मेंटर गीता जी ये राधा रानी के भजन को गुनगुनाना उन्होंने जैसे ही शुरू किया तो हमारे घर में राधा रानी का प्रवेश हुआ। तो फ्रेंड्स ये कहती है मेरे लिए साक्षात जैसे प्रभु जी के दर्शन ही थे कि देखो मन में जो भाव था और प्रभु जी ने वो स्वीकार भी किया। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी का, जैसे अंत में मैं आप सभी गुरुओं का तहे दिल से बहुत स्वागत धन्यवाद करना चाहूंगी, इसके लिए थैंक यू सो मच भैया, नितिन भैया, प्रीति भाभी जी और हमारे मेंटर जी रितेश जी, और साथ ही साथ और सीनियर जो भी मेंटर यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स अब तो यही करते हैं कि जैसे सारे कामों को प्रभु जी की दी गई ड्यूटी समझ कर ही हम करते हैं, और निष्काम भाव से बस प्रभु से हर पल यही कहते हैं प्रभु जी आपके लिए जो भी करूं, जो भी सेवा करूं, बस मन में कभी अहंकार ना आए, बस हम निस्वार्थ भाव से ही करें। तो फ्रेंड्स भजन की 2 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। पकड़ लो हाथ बनवारी,
नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है हे प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे हरि हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासरी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। विजिट टू द बॉडी फ्री एज अ सोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण, हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। पहले तो एक बार गीता जी आपको, रितेश जी को और आप सभी को, लोकेंस को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रविदास जयंती भी है, तो रविदास जयंती जी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रविदास जी भगवान के बहुत महान भक्त हैं और ऐसे महान भक्तों का आशीर्वाद हमें हमेशा लेना चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही, महान भक्तों के आशीर्वाद से ही हम भक्ति पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। बाकी नताशा जी, आपकी लर्निंग्स बहुत अच्छी हैं। और कितनी देर हो गई आप नताशा जी आपको गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हुए, और कितनी बार कर चुके हो आप भागवत गीता सिंप्लीफाइड का कोर्स? एकदम मैंने शायद स्किप कर दिया। कितनी देर हो गई आपको? हरी बोल भैया जी, मैं जून 2020 में शिप्रा जी के माध्यम से जुड़ी थी और ये मेरी सेकंड रीडिंग जो है वो कंप्लीट हुई है। बोल। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। बहुत कम समय में आप और मोनिका जी ने टॉपिक को बड़ा अच्छा से, गहराई से समझ लिया है, अपने जीवन में उतार लिया है। भाव अच्छे उमड़ रहे हैं आपके ईश्वर की प्रति, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है आपका, है ना। आप बड़े अच्छे से अपनी बात रख पाते हो, अपनी लर्निंग शेयर कर पाते हो। प्यारा सा एक्सपीरियंस भी आपने हमने हमें सुनाया। आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिल रही है, और आई एम श्योर आने वाले समय में आप और मोनिका जी एज अ होल फैमिली चलते रहिए। आई थिंक साथ में आपके मदर लॉ भी हैं, तो सब लोग इकट्ठे अच्छा कर रहे हो आप। घर घर मंदिर, हर मंदिर का जो गोलोक एक्सप्रेस सपना है वो आपके घर में बिल्कुल साकार होता हुआ दिख रहा है। आप सब प्रेरणा बने ईश्वर के रास्ते में, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दे सके। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। गीता जी, नेक्स्ट किसको सुनना चाहेंगे आप? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जो है वो रामप्यारी जी हमारे साथ, ये मोनिका जी की मदर हैं, तो वो जो है वो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहती हैं। हरी हरी बोल। बिल्कुल राम प्यारी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण। मैं पालमपुर से राम प्यारी बोल रही हूँ। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वरिंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने जो इतना अच्छा गोल एक्सप्रेस चलाया है और इतना अच्छा आप सत्संग सुना रहे हैं, घर घर में बैठकर सबको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का धन्यवाद जो सुन रहे हैं उनके लिए भी मेरा धन्यवाद।
तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो हमने कभी गीता भागवत सुनी नहीं थी, ना ही तो हमें कुछ पता था गीता भागवत क्या होती है। तो हमें मुझे गीता भागवत मेरी भांजी शिप्रा जी ने और मोनिकापुरी चंबा, वो मेरी बेटी है, उन्होंने मुझे भागवत सुनाना शुरू किया। सुबह का 5 बजे का और शाम को भी लगाते थे, वो उस सुनना शुरू किया। उससे मुझे इतना अच्छा लगा कि आपने घर घर में आप शिक्षा बांट रहे हैं और अच्छा लगता है हमें सुनकर। तो आगे फिर गीता जी और रितेश जी ने हमें चंबा से भागवत गीता सुनाना शुरू की। तो मैं 2021 में मार्च में शुरू किया था और उससे बाद ये दूसरी रीडिंग हो चुकी है हमारी, तो खत्म हो चुकी है। तो इसके लिए इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और गीता भागवत के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे, अब जब गीता भागवत सुन रहे हैं तो पता चल रहा है कि पूजा क्या चीज होती है, भक्ति क्या चीज होती है इसके बारे में। तो अब हम पहले भी पूजा करते थे पर इतनी नहीं करते थे, जो तो धूप जगा लिया और पूजा हो गई, कभी भोग भी लगाते थे, कभी कभी प्रसाद बना लिया और भगवान को चढ़ा दिया। तो अब जब से हम भागवत गीता सुन रहे हैं तो हम पूजा जोत धूप सुबह शाम करते हैं और आरती भी करते हैं और भोग भी लगाते हैं। तो भोग इससे हमें ये पता चला कि भोग लगाना जो है वो हमारा, भोग लगाते हैं तो हमारा भोजन जो वो शुद्ध हो जाता है और उस शुद्ध भोजन को हम खाते हैं तो वो भगवान को चढ़ाकर वो प्रसाद बन जाता है। तो ये बातें हमने सीखी और उसके बाद हमने सीखा भक्ति के लिए ये 4 पिलर आपने जो बताए हैं कि ये 4 पिलर क्या है। तो ये 4 पिलर है हमारे भक्ति के, सत्संग सदा साथ सेवा साधना। तो हमें हमें जितनी भी हो सके ये सत्संग साधना सेवा ध्यान लगाना चाहिए, तो इससे हमारी भक्ति जो वो मजबूत होती है और शुद्ध होती है, श्री हरि जी के चरणों में हमारा ध्यान लगता है। तो इससे हमने ये सीखा। उसके बाद हमने सीखा कर्म फल। कर्म फल क्या है, जो हम कर्म करते हैं उसका ही कर्म वो उसका ही फल हमें मिलता है। तो हम कर्म शुद्ध करेंगे, अच्छा करेंगे तो हमारे को अच्छा फल मिलेगा, या अगर बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इससे हमें ये सीखा कि कर्म फल जो है वो क्या है, एक शुद्ध भाव से एक क्षेत्र है, इसमें जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल तैयार होगा। तो हम जैसी भक्ति करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें निष्काम भाव से शुद्ध भक्ति करनी है, फल की इच्छा नहीं करनी है। उसके बाद हमने ये सीखा कि जो प्रभु हमारे को इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, तो प्रभु बार बार हमें ये बता रहे हैं मैंने पूरी सृष्टि बनाई है, जीवन और मृत्यु को भी मैं ही देता हूँ। तो हमें ये भी नहीं पता था कि हाँ भगवान ने ये सृष्टि चलाई है और हमें जीव और मृत्यु के लिए हमें इनका ही ये है। तो इसलिए इसका भी हमें पता चला कि हम जो भी करते हैं तो प्रभु हमें ये बताते हैं कि मैं भी कर्म करता हूँ, तो मैं भी कर्म करता हूँ और मैं कर्म नहीं करूँगा तो ये सृष्टि समाप्त हो सकती है। तो ये भी हमने बहुत बूढ़े दिमाग से सोचा कि ये भी हमारे लिए कितना अच्छा बताया है कि भगवान भी कर्म करते हैं, ये भगवान कर्म नहीं करेंगे तो ये सृष्टि समाप्त हो सकती है। तो इसके बाद हमने ये सीखा ये क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एक ऐसा है, ये हमारा शरीर जो है ये क्षेत्र है और क्षेत्र जो हम फल बीजते हैं, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलता है। जैसा हम काम करेंगे शुद्ध भाव से करेंगे तो शुद्ध फल मिलेगा, ये अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा बीज मिलेगा। इसमें तो हमने ये सीखा कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध कैसे करना है, सुख दुख तो हमारे कर्मों का ही है, जो हम कर्म करते हैं
उसी का ही सुख दुख हमें प्राप्त होता है। पहले तो हमें भगवान को कह देते थे कि कभी भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, अब हम नहीं करते। तो उसके बाद हमने ये सीखा कि मनुष्य को मनुष्य योनि जन्म मिला है तो किस लिए मिला है, इसलिए मिला है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है तो भक्ति भगवान का ध्यान करना है, सत्संग करना है, दान सेवा पुण्य सब कुछ करना चाहिए। इसके बाद हमें ये सीखा कि जो संत सन्यास घर में बैठे हो सकता है, सन्यास वन में जाकर नहीं होता। तो सन्यासी कैसे बनते हैं? तो सन्यासी तब बनते हैं जब हम सब कर्म त्याग देते हैं, सब कर्मों को त्याग कर देना, और छोटा बड़ा हमारे लिए सब एक समान है, छोटा बड़ा हमारे लिए सब एक समान है, ना तो किसी का अपमान है, ना तो किसी का आदर है, ना तो कोई गरीब है, ना तो कोई अमीर है, सभी को एक नजर से देखा जाए, वो ही सन्यासी होता है। और सभी कर्मों का त्याग कर देना वो ही त्याग है। तो इसके बाद हमने ये सीखा, श्री प्रभु हमें ये बता रहे हैं, गीता का ज्ञान उतना ही सुनना है जितना आपको आपके मन में प्रभु की भक्ति आ जाए, क्योंकि इस गीता का ज्ञान इतना गहरा है, इतना समुन्द्र है कि ये इसको सुन सुन कर भी कभी कभी भी समुन्द्र नहीं भरता, वैसे हमारे मन में ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। तो हमें इतना ही सुनना है जितना हम इस प्रभु के लिए प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएं। तो हमें सब कुछ करके ये समझना है कि हमने जो कुछ खाना है पीना है प्रभु को समर्पित कर देना है, उसी के बाद हमने खाना पीना है तो प्रभु की शरण में हम जा सकते हैं। और उसके बाद हमने माला जाप करना शुरू किया, तो पहले तो हम कभी माला जाप नहीं करते थे, उसके बाद माला जाप करते हैं, कभी 11 माला भी कर लेते हैं, कभी 16 भी कर लेते हैं, कभी 32 भी कर लेते हैं, और पूरा दिन में भगवान हमें यही बता रहे हैं कि हर सांस में प्रभु का ही नाम होना चाहिए। प्रभु हमारे को ये बताते हैं हर रोग की दवाई जो है वो एक हरि नाम ही है, तो हरि नाम ही हमारा मार्गदर्शन है। तो हमें हरि नाम जितना हो सके उतना ही सुनना है और उतना ही करना है। इसके बाद हमने प्रभु जी ने यही बताया है कि जितना प्रभु भक्ति में प्रभु चरणों में हमारा ध्यान लगाना है, उसे हमें प्रभु की शांति तब ही मिलेगी जब हम प्रभु के चरणों में अपना समर्पित सब कुछ समर्पित कर देंगे। हरी हरी बोल, हरी बोल, ना अस्त्र पे ना शस्त्र पे ना किसी की पे, मेरा तो जीवन है प्रभु सिर्फ आपकी ही कृपा शक्ति पे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जी राम प्यारी जी, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छे से अपनी लर्निंग्स आपने शेयर की और बड़ा अच्छा लग रहा है। स्टेज पे कई बार होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता लोगों में, बट आप में बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया है, बहुत अच्छे से आप विचार व्यक्त कर रहे हो, भक्ति भाव बढ़ रहे हैं आपके। एक पॉइंट आपने कहा, उस चीज को आपने करेक्ट करना है अपनी नॉलेज में, आपने कहा सन्यास और त्याग, राइट? हमने क्या समझा है, सन्यास का क्या मतलब है, कर्म का त्याग नहीं करना है, है ना, कर्म करके फल की इच्छा का त्याग करना त्याग है, और इंद्रिय भोग पे आधारित कर्म का त्याग करना सन्यास है, सारे कर्म का त्याग नहीं है। बड़ा क्लियरली समझाया था हमने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, यही तो समस्या है समाज में ना, सब लोग यही सोचते रह जाते हैं त्याग कर देना है हमें सारे कर्म का, है ना। किसका त्याग करना है, जो हम टाइम पास करते हैं ना, जो टाइम पास की एक्टिविटीज होती है हमारी, जैसे कि फालतू का टीवी देखना, पॉलिटिक्स की चर्चाएं करते रहना, अखबारें पढ़ते रहना, मैगजीन पढ़ते रहना, उस तरह का तो कर्म का त्याग करना है। लेकिन जो हमारी ड्यूटीज है उनको कैसे करना है, हमने सेवा भाव से करना है, जो बेसिकली डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन करे, जो सेवा भाव से अपनी सारी ड्यूटीज करे बट व्यर्थ की गतिविधियों का त्याग कर दे, वो घर बैठे बैठे ही क्या बन जाएगा, गृहस्थी और सन्यासी एक साथ बन जाएगा। बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, शुभकामनाएं, और आपकी डॉटर भी बहुत अच्छा कर रही है, ऐसे ही मिलजुल के चलते रहिए। थैंक यू रितेश जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुछ कहना चाहते हो राम प्यारी जी को? म्यूट पे हैं आप प्रीति जी। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल एवरीवन। तो सबसे पहले तो निखिल जी एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है, और नताशा जी ने भी आज अपनी बहुत बढ़िया लर्निंग दी हैं। और नताशा जी हमारे ग्रुप के ना एक बहुत सॉलिड पिलर हैं ये, तो नताशा जी थैंक यू वेरी वेरी मच। और रामप्यारी जी के लिए मैं क्या कहूँ, निखिल जी वो थोड़े टाइम पहले चंबा आए थे, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें, और ये मुझे लगता है कि उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं जो हम लोग लगातार निरंतर, प्रभु श्री हरि की बहुत कृपा है, मगर बड़ों की ब्लेसिंग्स भी हमें चाहिए होती हैं, उनकी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हमें मिली और बहुत 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 आनंद आया उनको आज सुनकर भी और उनसे मिलकर भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद राम प्यारी जी आपका। तो चलिए नेक्स्ट अब हम मधु जी की तरफ चलते हैं। मधु जी हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल मधु जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। निखिल भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। निखिल भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। मैं क्या कहूँ, ये गीता भागवत जो हमने सुनी है हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। पहले तो मैं ये बताती हूँ कि मैं किसके माध्यम से जुड़ी। हमारे पड़ोस में निशा भाभी है, उनके माध्यम से मैं जुड़ी हूँ। और मेरा नाम मधु है, मैं पलवल में रहने वाली हूँ। मैं 2021 में मैं इसमें जुड़ी थी, जुलाई में। तो निशा भाभी का कॉल आया कि मधु भाभी ये सत्संग सुनो। तो मैंने कहा कौन सा सत्संग आता है, कहते आप सुन के तो देखो आप। मैंने उनको उस टाइम हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा। तो मैंने उनको ये नहीं बताया कि मेरे पास फोन तो है नहीं, मैं कैसे सुनूंगी। तो मेरी बेटी के फोन में ही उनका कॉल आया था, निशा भाभी का। तो उन्होंने बोला बस सुन के देखो आप। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटा एक बार लगा दे, भी सत्संग सुनने के लिए कह रहे हैं, देखो मेरे को भी सत्संग सुनना है। तो उसने, मेरी बेटी ने लगा दिया, हफ्ता जल्दी उसने लगाया। उसने कहा मम्मी जी मुझे अब ये फोन चाहिए, क्योंकि मैंने भी कॉलेज वगैरह जाना है तो मुझे फोन चाहिए होता है। तो मुझे वो सत्संग मतलब समझ तो नहीं आता था, लेकिन बस ये था कि बिल्कुल भी समझ नहीं आता था मुझे। तो मैंने थोड़ा सुना, सुबह का भी मुझे नहीं पता कि आप सुबह भी सत्संग करते हो। मुझे निशा भाभी ने सुबह का भी बताया कि आप सुबह भी सत्संग करते हो। तो मुझे ये कार्तिक के बाद ही पता चला कि आप सुबह भी करते हो। तो मेरा जैसे मैंने सुना हफ्ते दस दिन में मैंने सुना, मुझे सुनने मात्र ही, सिर्फ सुनने मात्र ही इतना अच्छा लगा कि प्रभु जी जीना तो अब मैं सीखी हूँ। जो मेरा टाइम पहले गया है वो बिल्कुल नर्क में ही गया है मेरा। जो अब मुझे ये गीता ज्ञान मिल रहा है, मेरा जन्म तो अब हुआ है। ये 8 महीने में मेरा ये जो अब जन्म हुआ है, इसी महीने में हुआ है। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि प्रभु जी आपने मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया। लेकिन बेटी ने फिर फोन ले लिया, फिर मैं सुन नहीं पाई। काफी टाइम तक मैं सुन नहीं पाई थी ये सत्संग। तो फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इनसे कहती थी कि मेरे को ये सत्संग बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे कहते हैं कि अच्छा तू सुन ले। फिर मैंने कहा कि मेरे पास फोन भी तो नहीं है ना। तो इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो थोड़ा सुनने के बाद 20 दिसंबर को मेरा जन्मदिन आता है। मैं मन ही मन सोचती थी प्रभु जी अगर आपने मेरे को ये सत्संग सुनाना है ना, तो मुझे किसी माध्यम से, किसी भी माध्यम से बस मुझे ये सुनना है, बस कैसे भी। मुझे ये भी नहीं था कि फोन से सुनना, बस मुझे सुनना है। तो ये 20 दिसंबर को प्रभु जी ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, इतना अच्छा गिफ्ट दिया कि इन्होंने मुझे फोन ला के दिया और मुझे इन्होंने कहा कि ये ले तू सत्संग सुना कर। और 26 साल से इन्होंने मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं दिया, कोई भी गिफ्ट नहीं दिया इन्होंने। जब से मेरी शादी हुई है मेरे को प्रभु जी ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया मेरे जन्मदिन पे कि ये ले तू सत्संग सुन। और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई बहुत। प्रभु जी देखो सिर्फ अभी तो थोड़ा सा ही सुनने मात्र में प्रभु जी ने मेरा सुन लिया कि प्रभु हम इस लड़की को सुनना है। तो मुझे इतनी खुशी मिली। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, जैसे निखिल भैया आप कहते हो ना सुबह की जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख दो लिख दो। तो मेरा बहुत मन करता था कि मैं लिखूं कुछ, कि आपकी जो लर्निंग होती थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरे को इतना खुशी मिलती थी कि मैं भी कुछ लिखूं, लेकिन मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं जो मैं लिख पाती। बस प्रभु जी से यही बोलती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी की तो छोड़ो आपकी, बस मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ कि मुझे गीता का ज्ञान मिला है। मैं बहुत अपने आप को बेस्ट समझती हूँ, बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि प्रभु जी ने मुझे ये सत्संग दिया है। और मेरा सबसे पहला अनुभव ये है कि जब
मेरे बेटे का फोन आया, वो जॉब करता है, तो बेटे का फोन आया, मम्मी जी कि ना आज मैं ना यहीं रहूंगा कि बारिश आ रही है बहुत तेज, तो मैं नानी घर चला जाऊंगा। तो मैंने कहा यशु मैं रात को कैसे सोऊंगी बेटा, रात को अकेली कैसे सोऊंगी, पापा भी यहाँ नहीं है, तो बेटी भी, बेटी की शादी कर दी मैंने, तो कहने लगा मम्मी देख लो बारिश भी तो आ रही है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, सच में कसम से मैं इतना, रात को मैंने हरे कृष्णा का नाम जाप किया, बस मुझे पता भी नहीं चला, अकेली थी मैं घर में, मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। और सुबह सुबह जैसे ही मैंने फोन ऑन किया तो आपका सत्संग आ रहा था, तो पहले ही मैं बिल्कुल नहीं जुड़ी थी, तो मुझे इन चीजों का बिल्कुल भी नहीं पता था कि सच में जब मैं आप सुबह आपका सत्संग सुनती हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि बस दिल करता है सुनते रहो इस सत्संग को। तो मेरे यही रीडिंग है कि मैं थोड़ा सा घबरा भी रही हूँ, लेकिन बस मुझे खुशी इतनी हो रही है कि बस मैं कुछ बता नहीं सकती कि मुझे इतना अच्छा सत्संग मिला ये। और जैसे जैसे आपने बताया भोग लगाने का, मैं हर टाइम भोग भी लगाती हूँ, जो भी कुछ खाती हूँ सबसे पहले भोग भी लगाती हूँ। और ये भी बताया कि अगर हम भोग लगा के नहीं खाते तो वो हम, हमारा पाप का भागी हम होते हैं अगर हम भोग लगा के नहीं। तो आपने कुत्ते का भी बताया कि जो डॉगी होते हैं उन्हें दूध भी देना चाहिए, कबूतरों को दाना भी देना चाहिए, ये भी हम नहीं करते थे, तो अब ये मैंने शुरू कर दिया है और मुझे इतनी ब्लेसिंग मिलती है। ऐसे ही एक बार मैंने कुत्ते को दूध नहीं दिया था, तो वो एक दो घंटे कुत्ता बैठा रहा मेरे घर के आगे, तो मैं उसको देख के इतना रोई। मैंने कहा देखो प्रभु जी, जैसे देखो ये अटल विश्वास है ना इस कुत्ते को कि देखो कि मुझे मिलेगा, इस डर से कुछ तो मिलेगा। तो ऐसे ही मेरे पास उस दिन घर में दूध भी नहीं था, तो मैं पड़ोसी से मांग के लाई, मैंने कहा कि इस कुत्ते को भाई दूध दे दो थोड़ा सा। तो उन्होंने बोला चाय पीनी है, मैंने कहा उन्हें, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप गई और थोड़ा सा दूध लेके कुत्ते को दिया। जब वो चला गया, दो घंटे बैठा रहा, जब तक उसे हमने दूध नहीं दिया तब तक वो गया नहीं। तो ऐसे ही प्रभु जी, मैं, हम भी एक कुत्ते ही है प्रभु जी के, बस जैसे अटल विश्वास उन डोगी का था कि मुझे इस डर से कुछ मिलेगा, तो ऐसे ही इसी भागवत गीता से हमें इतना कुछ मिलेगा कि मैं बहुत बहुत इसकी आभारी हूँ जो मुझे ऐसा सत्संग मिला। और मेरा एक अनुभव और भी है कि रात को जब मैं सोई 11:30 बजे, तो बच्चे बच्चे भी सो रहे थे, तो मुझे पता नहीं चला बिल्कुल भी कि सिलेंडर मेरा ऑन था। और सुबह 5:30 बजे जैसे ही मैंने लाइट जलाई अंदर कमरे की, क्योंकि कमरे में हमारी रसोई है, जैसे ही जलाई तो जैसे गई तो मैं ये समझ नहीं आता कि मुझे स्मेल नहीं आई पूरी रात। जैसे ही मैंने किया कि रात सुबह मैंने ऑन करके करने लगी तो देखा तो बटन बिल्कुल ही ऑन था, और मैं सच में बिल्कुल बंद करके दोनों बच्चों को गले से लगाया। और मैंने कहा प्रभु जी बहुत बहुत आपके शुक्राने हैं, बहुत बहुत शुक्राने हैं, अगर लाइट चला देती रसोई की, अगर मैं ऑन कर देती तो प्रभु जी क्या होता। ये प्रभु जी तो हैं, हमें ये कुछ भी नहीं पता था, हमें सब कुछ भी नहीं पता था। हम अगर पहले हमें कुछ नहीं पता था, हम बैठे रहते थे बाहर गलियों में बैठे रहते थे कि बातें करना, इधर की बातें करना, उधर की बातें करना। हमें बस इस सत्संग ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि बस इधर उधर की बातें करते रहते थे, हमें ये बहुत गलत काम करते थे हम, जो इधर की बातें करना उधर की बातें करना। तो इस प्लेटफॉर्म ने हमें इतना अच्छा दिया है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, सबसे पहले अपने भाव शुद्ध करने हैं। ये शुद्ध भाव हमारे तभी होंगे, हम ये जो भागवत गीता की लर्निंग सुनेंगे, सुनने मात्र ही, सुबह सुबह जब मैं सुनती सुनने मात्र ही मेरा, मुझे इतना अच्छा लगता था कि प्रभु जी ये आपने क्या चीज दे दी है। बस कहते हैं ना, अगर कि आपने निखिल भैया जी ने बताया कि जब हमें प्रभु जी की भक्ति मिल जाए तो हम यही सोचे कि हमारा वो लास्ट जन्म है। अब मैं यही समझती हूँ प्रभु जी, अब हमारा ये लास्ट जन्म है, अब हम, हमें जब भी तू बुलाओ, हमें जब भी हम अपने दरबार में बुलाओगे हम हंस हंस के आ जाएंगे। हम यही चाहते हैं कि प्रभु जी बस हमारे मुंह पे, लास्ट में भी हमारे मुंह पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही मुख से निकले। और मैं अब ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारी कर्म का बताया कि हमारा कर्म सबसे बड़ा प्रधान है, हम कर्म से कभी नहीं बच सकते। निखिल भैया ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि कर्म क्या होते, हम किसी को भी कुछ भी कह देते थे। अब हमें पता चला जब से हमने ये गीता जी की रीडिंग की है, तब से हमें पता चला है हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। हम किसी को कहते हैं ना कि इसने ऐसा कर दिया तो भगवान करे इसके साथ भी ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं, हम पहले ये सोचते थे। क्यों सोचते थे? क्योंकि हमारा गीता भागवत से पहले हमारा जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन अब हमारा ये जो भागवत गीता से हम जुड़ चुके हैं ना,
प्रभु जी हमने बस अपने शुद्ध भाव रखने हैं कि प्रभु जी हमें शुद्ध भाव रखने हैं, किसी के भी प्रति हमें गलत भाव नहीं रखने हैं। निखिल भैया आपने ये भी बताया था कि जब तक हम इस संसार में डूबे हुए हैं, कि आपने पानी का बताया कि हम जब तक पानी के अंदर हैं, बुलबुलों में हमें तैरना नहीं आता, तब तक हम फंसे हुए हैं कि हमारा दम घुटता है। ऐसे ही ये संसार है, हम जब तक इस संसार में डूबे हुए हैं तब तक हम नहीं निकल सकते। तो ऐसे हमारी किसी ने रस्सी बांध रखी, जैसे ही वो रस्सी हमारी ऊपर आती है, जैसे ही हमारी परमात्मा ये रस्सी खींचता है इस संसार से, तो हमें शांति मिलती है कि शुक्र है प्रभु जी, अब आपने हमारी डोर अपने हाथों में ले ली है। ऐसे ही सबकी डोर अपने हाथों में लेना प्रभु जी, सबकी सुनना प्रभु जी। और ये भी बताया कि प्रभु जी से बार बार हम यही कहना चाहते हैं कि हमें हमारा मन बहुत चंचल है, हमें हमारी बुद्धि में प्रभु जी आप आओ, हमारी बुद्धि में विराजमान आप ही हो। बस इसके यही कहना चाहती हूँ कि ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना ही किसी युक्ति पे मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु आपकी कृपा भक्ति शक्ति पे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। माधु जी बहुत आनंद आया आपको सुन के, चमत्कारों से भरी हुई है आपकी आध्यात्मिक यात्रा। जो आपने बात कही ना कि आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आपने कहा सबसे ज्यादा एजुकेटेड वही है जिसको भगवत ज्ञान हो जाए। ये देखिए कितने महान महान संत है भाई, ये कबीर जी वगैरह कोई ऐसे संसारिक दृष्टि से कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, पर जिसको भगवत ज्ञान हो जाए ना, एक तरफ इंसान ने PhD कर ली, मान लीजिए डॉक्टरेट, बहुत पढ़ाई कर ली, अमेरिका से कर ली, बट उसको भगवान का ज्ञान नहीं है, वो ज्यादा बड़ा अनपढ़ है। जिसको भगवान का ज्ञान हो गया, जिसको भगवान से प्रेम हो जाए, वो सबसे ज्यादा जो है पढ़ा लिखा है आध्यात्मिक दृष्टि से, और उसकी लॉटरी लग गई। आपकी लॉटरी लग गई है, आप आध्यात्मिक लॉटरी, तो आनंद में रहिए। और देखिए हम सामाजिक जीवन में कितने बड़े हो जाते हैं, फिर भी हम कितने डरपोक होते हैं कि हमें अकेला रहना नहीं आता। बीमारी है ना अलग अलग तरह की, हम डर रहे हैं, डरपोक हैं, और कैसे अब आप भगवान से जुड़े हो तो आप उस डर से बाहर निकल पा रहे हो, है ना। दूसरा, आपको जो 27 साल के बाद आपकी शादी का गिफ्ट मिला, वो कृष्णा से ही तो भेजा आपको गिफ्ट, भगवान ने आपके लिए गिफ्ट भेजा कि देखो बेटा तुम मेरे साथ चलना चाहते हो। तो फिर क्या होता है, रिश्तेदारों का, हस्बैंड का, सबका आसपास ना वो हार्ट भी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है उनके माध्यम से। भगवान का तरीका होता है कि अगर आप उनके तरफ चलते हो, मैं सबको बताता हूँ कि 3D होते हैं, इससे आप पता कर सकते हो कैसे क्या भगवान की तरफ चल रहे हो। तो पहला डी क्या होता है, आपकी डिवोशन की डिजायर बढ़नी चाहिए आपके दिल में ना। पहले आप बोलते थे मेरे पास टाइम ही नहीं है ये करने का, बाद में नहीं, आप फटाफट टाइम ढूंढोगे कि आप माला कर सको और सत्संग मिल जाए आपको, डिजायर बढ़ रही है। दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ लॉर्ड, डिवाइन एक्सपीरियंस, ये अनुभूतियां हो जाती है ना ऐसी। कोई कभी ऐसे कुछ करता नहीं था, फिर सडनली एकदम वो आपको मोबाइल दे देता है, गिफ्ट मिल जाता है आपको, वो किसने दिया, वो भगवान की तरफ से उनको प्रेरणा मिल गई, है ना। वैसे भी कलयुग में ना कोई आपको डिवोशन करने में सपोर्ट कर दे ना, हमेशा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो भी बहुत बड़ी डिवोशन है। कलयुग में अगर आपका कोई सहायक बन जाए, आपके हस्बैंड या बहन या कोई भी जो आपको हेल्प करे डिवोशन में आगे बढ़ने के लिए, ये बहुत बड़ी डिवोशन होती है। क्योंकि कलयुग में मैक्सिमम लोगों के घरों में माहौल नहीं मिलता है भाई, मुश्किल कर दिया जाता है लोगों के लिए, है ना। तो ये तो बहुत अच्छा है, और आपका जोश बढ़ रहा है, डिजायर बढ़ रही है आपकी भगवान के धाम जाने की, भगवान को पाने की। ऐसे ही खूब सारा हरिनाम करते रहिए, सत्संग से नित्य निरंतर जुड़े रहिएगा। आप छोड़ना नहीं है, आपने ये नहीं सोचना है कि एक बार कर लिया तो हो गया हमारा काम, लगे रहना, ये हमारी लाइफ का पार्ट होना चाहिए, मेन लाइफ होनी चाहिए हमारी। बाकी सब चीजें साइड पे चलती रहे, बट इसमें हमारा ध्यान हमेशा चलते रहना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता शरीर हमने कब छोड़ना है। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं भाई, घर बैठे बैठे सत्संग नहीं मिलते, ये भगवान की बहुत विशेष, आज तक नहीं हुआ ऐसा हिस्ट्री में, मैं तो नहीं जानता। इससे पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी ना ऐसी, और वो कोई हाई लेवल के गुरु तो बहुत कम लोग होते हैं जो आंखें बंद करें और भगवान की लीलाओं में खो जाएं, राइट। वो तो करोड़ों में से कोई एक होता है। आम जनता इतना हाई लेवल का ध्यान नहीं लगा पाती कि वो हर समय सत्संग खोए, आम जनता क्या दिमाग फिर संसार में चला जाता है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों हो गया। बट जब आपको घर में सत्संग मिल जाते हैं ना, तो रूटीन में क्या होता है, जब 2-4 घंटे भगवान की कथाएं सुनते रहोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंदर की मलिनता गायब ना हो, नेगेटिव थिंकिंग ना गायब हो, और आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनो, एक हैप्पी इंडिविजुअल बनो, खुश रहो, और ड्यूटीज भी डिवोशनली करो, और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिले। बहुत अच्छा लगा मधु जी आपको सुन के, हरी हरी बोल। भैया जी दो लाइनें आपके लिए, आपने अपना बनाया मेहरबान।
की आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। हम तो भैया शीशे थे, आपने हीरा बना दिया हमारे को। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। जिंदगी मैं किसी को कुछ बनाने वाला नहीं, सब भगवान का प्रेम है, भगवान की कृपा है। भाग्यशाली है कि हम सब माध्यम बन रहे हैं और ऐसे ही चलते रहिए। भगवान ने आपको भजन गायक भी बन गए हो आप, अब आप अनपढ़ नहीं रहे हो, आप भजन आर्टिस्ट बन गए हो और भागवत गीता के ज्ञानी बन गए हो आप। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। थैंक यू जी। हरी हरी बोल गीता जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल मधु जी। बहुत ही प्यारी लर्निंग। ये कह रही थी कि मैं अपनी लर्निंग नहीं शेयर कर पाऊंगी, मैं कैसे करूंगी, मुझे घबराहट हो रही है। और देखिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने लर्निंग शेयर करी है। और सेकंड चीज जो मैं इनके लिए बोलना चाहूंगी कि बहुत ब्लेस्ड सोल है भैया, बहुत ब्लेस्ड सोल है। और बस रेगुलरिटी के साथ चल रही है, और कहा ये भजन भी नहीं गाती थी और अब इतना सुंदर भजन गा रही है ये। तो बहुत 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 प्यारी लर्निंग मधु जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो है वो सरोज जी की तरफ चलेंगे, मंजू जी की तरफ चलेंगे। हरि बोल मंजू जी, आप स्टार्ट कीजिए। एक मिनट बस गीता जी, मैं एक मिनट लूंगा। देखिए डर लग रहा था मधु जी को ना जब उन्होंने स्टार्ट किया। डर क्या चीज होती है मधु जी? जब आपने अब कंप्लीट किया तब कितना डर लग रहा था आपको? जब ये कंप्लीट हो गया आप, जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तब कितना डर लग रहा है? और तब पहले कितना डर लग रहा था आपको 15 मिनट पहले, ये बताओ। भैया पहले डर लग रहा था, अब नहीं लग रहा। बस क्या समझे आप लोग, ये डर क्या होता है ना, डर से घबरा गए तो फिर डर बहुत बड़ा राक्षस बन जाएगा। और डर को जीतना है तो जिस चीज से डर लगता है वो करो। बात करने से डर लगता है तो बात करो। फिर क्या हुआ, फिर डर जो इतना बड़ा राक्षस लग रहा था वो थोड़ा सा छोटू सा चूहा बन जाएगा, फिर छोटू सा कॉकरोच बन जाएगा, फिर छोटी सी चींटी बन जाएगा, फिर एक समय पर डर गायब हो जाएगा और आपको जिस चीज से डर लगता था आपका वही चीज करने में मजा आएगा आपको। देखिए एक समय पे मैं शाये किस्म का बच्चा होता था, जो घर में रिश्तेदार आ गए तो मुझे लगता था मैं दूसरे कमरे में छुप जाता था जाके। अभी आप ये विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ करता था, बट ऐसा था एक समय पे। तो आप सबने क्या करना है, आपको ऐसा मंच मिला है ना, यहाँ कोई नहीं पूछता अदरवाइज, भाई अपनी फीलिंग्स बताओ। यहाँ आपको फीलिंग्स बताने के लिए मौका दिया जा रहा है, स्पिरिचुअल गाइड सुनने आ रहा है, ऐसा नहीं हुआ है आज तक। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। भगवान चाहते हैं कि हमारे गोलक एक्सप्रेस में बहुत सारे लोग प्रचारक बने, बात करना सीखें, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। डर कभी भी आए तो ये वाला एग्जांपल समझना है जो मधु जी के एग्जांपल में हमने सुना। उनको डर लग रहा था तो क्या हुआ, उन्होंने थोड़ी सी प्रयास किया, धक्का दिया, बाद में डर भी खत्म हो गया। ऐसे ही जब आप 10-15 बात कर लोगे तो आप दो कॉन्फिडेंट स्पीकर्स बन जाओगे। और बिकॉज हमारा टीचर ट्रेनिंग मॉडल है, हम चाहते हैं कि आप इतना अच्छे से सीखो कि आप अपने मोहल्ले में कि दोस्त को कुछ तो भगवान के बारे में बता सको ना, तो फिर आप पाएंगे कि आप बड़ी सरलता से अपने आसपास भी गाइड कर पा रहे हैं। बेस्ट विशेस। हरी हरी बोल जी। चलिए अब चलते हैं गीता जी नेक्स्ट डिवोटी के पास, मंजू जी के पास। मंजू जी शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। मैं मंजू सिंगला करनाल से बोल रही हूँ। मुझे सरस्वती जी ने इस सत्संग में जोड़ा। सच निखिल जी आपका बहुत बहुत आभार, जो आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। हमें घर बैठे ही सत्संग सुनने को मिल रहा है, हमें इस सत्संग के साथ जुड़कर बहुत ही आनंद आ रहा है। मेरे को 6-7 महीने हुए इस सत्संग में जुड़े। सच निखिल जी हम बता नहीं सकते आपको, हमें बहुत ही आनंद आ रहा है। दिल में बहुत खुशी होती है जिस टाइम हमारा सत्संग चलता है, सच्ची मन में बड़ी खुशी होती है। मैंने गीता जी और रितेश जी का ग्रुप ज्वाइन किया है, हमें गीता जी बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सत्संग के बारे में भागवत गीता की रीडिंग करा रही हैं, हमें बहुत सरल तरीके से बहुत अच्छे तरह से सिखाती हैं। और उन्होंने हमें बताया जैसे कि हम पहले भक्ति तो हम थोड़ी पूजा हम करते थे घर में बैठ के, सुबह अपना जोत लगा ली, लेकिन जब से गीता जी ने बताया हम भाई भोग भी लगाते हैं, अब हमें तीनों टाइम भोग लगाते हैं, काशी का व्रत भी रखते हैं, हमें उसके बारे में भी नहीं पता था। और हम माला भी करते हैं अब, पहले हमें माला के बारे में भी नहीं पता था, पहले एक राउंड करना भी हमें बहुत ही मुश्किल लगता था, लेकिन अब तो जब से हमें गीता जी ने बताया हम 6-7 माला तो कर ही लेते हैं, और काशी वाले दिन तो मैं 16 माला भी कर लेती हूँ।
कभी कभी हमारी ज्यादा भी माला हो जाती है। और नीतीश जी बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, गीता जी ने हमें बहुत ही अच्छे ढंग से बताया भी, जैसे मकान को बनाने के लिए 4 पिलर्स की जरूरत होती है, ऐसे हमें भक्ति को करने के लिए भी 4 पिलर्स की जरूरत होती है, सत्संग सत्संग साधना सेवा और सदाचार। भाई हमें किसी के साथ भाई निष्काम, हमें किसी के साथ भी छल कपट नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, हमें खाली समय में बैठ के जितना भी हो सके अपना भजन कीर्तन सुनना चाहिए, करना चाहिए, हमें धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए और हमें भाई इन सब बड़ों की सेवा करनी चाहिए, निष्काम भाव से हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें भगवान जी के साथ पूरा भगवान जी को पूरा सिलेंडर करना चाहिए, अपने आप को अपने भाव को शुद्ध रखना चाहिए। और हमें बहुत अच्छा आपने ये घर बैठे प्लेटफॉर्म दिया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है निखिल जी, और हमारी भी भगवान से हम जो भी प्रार्थना करते हैं भगवान जी हमारी सुनते हैं। सच में इस सत्संग के साथ जुड़ के मेरे साथ भी एक दिव्य अनुभव हुआ है, भी मेरे बेटे की बहुत तमन्ना थी कि मैं बाहर जाऊं, जब से मैं इस सत्संग के साथ जुड़ी हूँ सच में भगवान जी ने मेरी ये पूरी तमन्ना करी, मेरे बेटे की भी पूरी ये तमन्ना हुई, वो बाहर चला गया और वो सेट भी हो गया, मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं, दोनों बच्चों की मैंने शादी कर दी है, दोनों बच्चे मेरे बाहर सेट हैं। सच में जब से मैं इस सत्संग के साथ जुड़ी हूँ मेरे अंदर बहुत ही नेगेटिविटी आ गई है, पहले मेरे अंदर बहुत क्रोध भी आता था, छोटी छोटी बातों पर मैं बड़ा गुस्सा करती थी, बड़ा मेरे को अपने आप को बड़ा वो लगता था भी मुझे किसी ने क्यों कहा। और फिर अब जब से मैं सत्संग के साथ जुड़ी हूँ, जब गुस्सा तो मुझे अब भी आ जाता है, लेकिन फिर मैं वही अपनी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 अपनी माला करने लग जाती हूँ। भाई मेरे को फिर ये लगता है भी मुझे भाई अगर मैं इसको पलट के जवाब दूंगी तो मुझे सत्संग में जुड़ने का क्या फायदा हुआ। जब से मैं सत्संग के साथ जुड़ी सच में हमारे अंदर बहुत ही नेगेटिविटी आई है और हमारे घर में भी बहुत ही पॉजिटिविटी आई है, हमारी सारी नेगेटिविटी दूर हो गई है, हमारे घर में भी बहुत ही शांति का माहौल हो गया। पहले थोड़ा सा हमारे घर में भी ऐसे रहता था लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है जब से सत्संग के साथ जुड़ी हूँ। और गीता जी भाई बहुत ही अच्छे ढंग से हमें बहुत अच्छे से बताती हैं। और हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं 2 भजन भजन की शेयर करना चाहती हूँ। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मतलब का संसार है इसका क्या एतबार है, सोच समझ कर चलना रे बंदे, फूल नहीं अंगार है, सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हरी हरि बोल जी, हरि हरि बोल। मंजू जी आपको सुन के बहुत आनंद आया, बहुत कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया है, आनंद आ रहा है आपको डिवोशन का, उत्तम रस का थोड़ा सा चस्का लगा है आपको डिवोशन का, ना जो बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी स्टेज होती है जब, क्योंकि मैक्सिमम लोग ना संसार में ना डिवोशन में कोई एक फॉर्मेलिटी की तरह कर रहे होते हैं, मैक्सिमम लोग पूजा पाठ की मम्मा ने बता दिया था, जब हाँ जी हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। निखिल जी का शायद म्यूट हो गया अभी या फिर वो लेफ्ट हो गए हैं, चलो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो थैंक यू वेरी वेरी मच मंजू जी, बहुत ही बढ़िया लर्निंग शेयर करी है आपने। चलिए आ गए हैं निखिल जी, हरी बोल निखिल जी। मेरा कुछ ना एकदम फॉर सम रीजन टेक्निकल इश्यू हो गया था, सॉरी फॉर दैट ऋषि। तो जब ये रस मिलता है ना, ये बहुत विशेष कृपा होती है, जब मजा आना शुरू हो जाए डिवोशन का। देखो गलतियां हैं, इंसान है हम, कभी उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे ना, बट एक लगन लग जाए ईश्वर की तरफ, इससे बड़ी विशेष कृपा नहीं हो सकती। आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा, आप अनुभव कर पा रहे हो कि दिव्य अनुभूतियां भी हो रही हैं आपके साथ, है ना। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, शुभकामनाएं आपको भी। सरस्वती जी को भी आभार, वो बहुत प्यारी सेवा करते हैं, बहुत सारे डिवोटीज को मोटिवेट करते रहते हैं। भगवान ने 18वें अध्याय में क्लियरली बताया, जो मेरी भक्ति का ज्ञान आगे भक्तों को बांटेगा, उनको मोटिवेट करेगा, उसको तो शुद्ध भक्ति मिली जानी है, इसलिए सीखो और सिखाओ। कंग्रेचुलेशंस रितेश जी, आप क्या कह रहे थे?
हाँ जी, हरि बोल जी, हरि बोल जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, वाकई में बहुत ही आनंद आया आपको सुनने का, और प्रभु श्री हरि की ब्लेसिंग्स यूं ही हम सब पर जो है वो बरसती रहें। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं सरोज जी की तरफ। सरोज जी हरि हरि बोल, प्लीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। सरोज जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि हरि बोल जी। बोल जी हरि हरि बोल। मैं हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। मैं सरोज वर्मा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के रजोल गांव से बोल रही हूँ। मैं नतासा पुरी जो चंबा से हैं, उनके माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी। मैं गीता जी और रितेश जी के माध्यम से भागवत गीता जी की रीडिंग कर रही हूँ। मैं अभी फरवरी 2021 में इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, लेकिन हमने अपने आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी महसूस की है। गीता जी हमें बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से भागवत की गीता की रीडिंग करवाते हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे कि मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। मैंने यह भी समझा कि हमें अपने इस मानव जीवन का दुरुपयोग नहीं करना है, बल्कि इसको परमात्मा के नाम का सिमरन करवाना है। और यह भी तभी हो सकता है जब हम आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ेंगे और आत्मा को परमात्मा के और आत्मा को एक परमात्मा से एक मजबूत रिश्ता बनाएंगे। हमें अपने जीवन में सत्संग, सेवा, साधना और सदाचार को बढ़ाना है। जब निखिल जी मैं आपके ग्रुप के साथ नहीं जुड़ी थी, तब नताशा जी मुझे फोन से भी सत्संग सुनाते थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। दो साल पहले मुझे मेरी भतीजी ईशा सोनी ने चैंटिंग बुक्स और माला दी थी। वो भी मुझे सत्संग सुनने के लिए बोलती थी, मगर घर के उतार चढ़ाव के कारण मैं ये सेवा नहीं कर पाई। इस सत्संग से मेरी यह लर्निंग बनी है कि हमारे तीन गुण, सतो गुण, रजोगुण और तमो गुण हैं। हमारी वाणी में मिठास होनी चाहिए। भगवान जी हमारे भाव देखते हैं। हमें भगवान जी की नजरों में अच्छा उतरना है। निखिल जी और नितिन जी, आपके सत्संग से हमारे शुद्ध भाव बन रहे हैं। अभी तो हम बहुत पीछे हैं, मगर ये मन बड़ा चंचल है। ये मन तो भागता है, हमें इसे कंट्रोल में रखना है। जो शास्त्र के अनुसार यज्ञ करते हैं वो शुद्ध भाव पाते हैं। हमें बड़ों का सम्मान करना और अपने गुरु के बोलने का पालन करना, ये भी एक तपस्या है। मन की वाणी शुद्ध तब होगी जब हम संतों का संग करेंगे। हमें नित्य निरंतर सत्संग सेवा साधना करनी है। हमें दान करना है वो बिना फल के करना है। हम लालच करते हैं कि हम जो दान कर रहे हैं उसका हमें क्या फल मिलेगा, मगर वो दान निष्फल है। वो हमें नहीं सोचना है। हमें इस सत्संग से यह सीखना चाहिए कि हर घर मंदिर, हर मन मंदिर बनाना चाहिए। और मैं दो लाइनें भजन की शेयर करना चाहती हूँ। सुख होवे या दुख होवे, तैनू याद करा हर वेले। सुख होवे या दुख होवे, तैनू याद करा हर वेले। सुखा बिच सुकर मनावा, दुखा बिच दर्द बंडावा। सुख होवे या दुख होवे, तैनू याद करा हर वेले। बस प्रभु जी के चरणों में यही विनती है कि सुख हो या दुख हो, हम हर परिस्थिति में प्रभु जी का सिमरन करते रहें। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे और ना ही किसी युक्ति पे। प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। सरोज जी आपको सुन के भी बड़ा आनंद आया, और
बड़ा अच्छा लगा कि आप डिवोशन में ग्रो कर रहे हो, मजा आना शुरू हो गया आपको अब, है ना, ऐसी डिवोशन में आपने आगे बढ़ना है। क्योंकि सच यही है, देखिए ये मनुष्य योनी हम सबको बहुत विशेष कृपा हो चुकी है, प्लस भारत में जन्म मिल चुका है, फिर हमें भक्ति करने में रुचि आ रही है कलयुग जैसे वातावरण में, फिर हमें घर बैठे बैठे भक्तों का साथ मिल गया है। तो कभी भी आप में से कोई ये ना कहे हम पे कृपा नहीं हो रही, हमें बहुत कृपा हो चुकी है हम पे, अब हमारी मेहनत हाँ जी हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। तो सरोज जी थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बढ़िया लर्निंग्स दी आपने आज। तो देखिए ये हमारा फैमिली बेस्ड मॉडल है ना, घर में बैठे बैठे ही कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती हम लोगों को, और हम लोग प्रभु श्री हरि का कितने अच्छे ढंग से जो है वो ध्यान भी कर पाते हैं, मनन कर पाते हैं, भगवद गीता की रीडिंग हम लोग मिलजुल के कर पा रहे हैं, है ना। तो प्रभु श्री हरि की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं हम सबके ऊपर, और हमें लगातार यूं ही निरंतर इस रास्ते पर चलते रहना है। और देखिए सत्संग साधना सेवा सदाचार, ये जो हमारे फोर्थ पिलर्स है ना, ये फोर्थ पिलर्स हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प करते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच सरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सॉरी मेरा ना आज पता नहीं क्या हो रहा है, कोई टेक्निकल रीजन हो रहा है, एकदम रिकॉर्ड ड्रॉप हो जाती है। चलिए सरोज जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, ऐसी आप जोश में आगे बढ़िए। मैं ये कह रहा था कि हमें ना ब्लेसिंग्स को काउंट करना नहीं भूलना है, हम लोग आप जनरली ना हम शुक्राना नहीं करते, हम हमेशा ही प्रॉब्लम्स काउंट करते हैं लाइफ की। हमें आदत डालनी है मन को कि भाई इतना कुछ मिला तो हुआ है मुझे, क्यों ना मैं वो देखूं जो भगवान ने दिया, जो दिया है ना, अगर वो नहीं भी देते तो क्या कर लेते हैं हम, बताइए। मान लो मैं और आप रोए अगर मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया, तो भगवान अगर आपके पास आए और पूछे तेरे को जो मैंने दिया अगर मैं वो ले लूं तो क्या कर लेगी बता फिर क्या कर लेंगे हम कुछ नहीं कर, जो मिला है अगर हम उसको काउंट करें तो रियलाइज होगा कि हमें तो इतना कुछ दिया, मनुष्य यो नहीं मिली है, भारत में जन्म गया, घर बैठे बैठे भक्ति करने के लिए साथ मिल गया हमें। हाँ जी हाँ जी, ईशा सोनी बहुत समझाती है हमें जी बहुत अच्छा कर रहे हैं ईशा जी, और आप भी ऐसी आगे बढ़िए उनके साथ मिलजुल के, और आप भी बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बने। थैंक यू सरोज जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए हाँ जी हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। तो थैंक यू वेरी वेरी मच सरोज जी। तो निखिल जी आज हमें अलग अलग ग्रुप से या फिर हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया है, तो उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रुप में। तो चलिए नेक्स्ट अब हम अनिशा जी की तरफ चलते हैं। अनिशा जी हरी हरी बोल प्लीज। अनिशा जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अनिशा अरोड़ा पलवल से, मैं मई 2021 में मैं अपनी बुआ सरस्वती तनेजा जी से जुड़ी थी, तो मेरी फर्स्ट रीडिंग गीता जी, रितेश जी, नताशा जी और मोनिका जी के माध्यम से पूरी हुई है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने मेंटर्स की और निखिल जी आपकी, कि निखिल जी आप नहीं पता कि आप हमें क्या दे रहे हैं, जो मतलब हमें कहीं से नहीं मिलता, वो ऐसा आप हमें सत्संग दे रहे हैं, सुबह का भी शाम का भी, पता नहीं दिन में कितने लिंक आते हैं जो हमें सत्संग मिलता है। इस सत्संग से हमारी जो नेगेटिविटी थी वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में बदल रही है। हम पहले क्या था, हम दूसरों के बारे में बहुत गलत सोचते थे कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो भगवान उसके साथ भी बुरा करे, लेकिन अब हम ये नहीं सोचते, हम सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं कि भगवान जी जो आप करोगे अच्छा करोगे। पहले हम कथा पे तो जाते थे, लेकिन हमें हमें वहां पर कथा होती थी, भागवत कथा भी होती थी, गीता भी होती थी, लेकिन जैसे वो सिंपल पढ़ते हैं ना, सिर्फ वही मतलब एक्सप्लेन नहीं करते थे, लेकिन अब हमें यहाँ इस सत्संग में आने पर हर एक जो श्लोक होता है उसको मतलब हमारे जीवन में क्या क्या होता है हमें गीता से पता चलता है, वो हमारे पूरे हमारे जीवन के ऊपर ही आधारित है। कहते हैं ना कि हमें अगर हम
अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमें गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि जितने भी संत हुए हैं उन्होंने गीता पढ़कर ही भगवान की भक्ति पाई है। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं निखिल जी, जो आप हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने हमें दिया है, हमें सत्संग साधना सेवा और सदाचार का भी पता चला। पहले हम सत्संग में तो जाते थे, लेकिन हमें ये बस सत्संग में गए भाई, अपना रूटीन किया भाई, हाँ 1 घंटा जाना है और आ जाना है भाई, हो गया हमारा काम, हमने अपनी ड्यूटी भगवान जी के प्रति दे दी, और फिर घर के उलझनों में हम उलझे रहते थे। ना हमें सेवा का पता था, ना हमें साधना का पता था, ना हमें सदाचार का पता था। लेकिन इस सत्संग में आने से हमें ये भी पता चला कि सत्संग में आने से हमें सेवा भी करनी है। सेवा सिर्फ हमें यही पता था कि हम मंदिर में जाते हैं जी, झाड़ू लगा दी और थोड़ी सी सफाई कर दी, बस यही सेवा है। लेकिन इस सत्संग में आने से हमें पता चला कि सेवा भी कई प्रकार की होती है, और साधना का भी हमें पता चला कि, और जब तक हमारी सत्संग सेवा साधना सबसे अच्छे होंगे, तब अपना जो अपना व्यवहार है वो हम बेस्ट कर सकते हैं। और हमारी जो ये हमारा जो ये टेस्ट होता है सत्संग का, हमारा सत्संग का, सेवा का, साधना का, ये सबसे पहले पहले हमारे घर से ही स्टार्ट होता है कि हम घर में अपने जो फैमिली मेंबर्स के साथ हम क्या व्यवहार कर रहे हैं, हमारा क्या होता है, हमारा मन तो कुछ और कहता है इस मटेरियल वर्ल्ड में रह के, हमारी बुद्धि कुछ और कहती है और हमारे शब्द कुछ और, मतलब हम पूरी तरह से पता ही नहीं होता दुनिया, मतलब हमें हमारे घर वालों को तो पता होता है कि हम कैसा व्यवहार उनके साथ करते हैं, लेकिन दुनिया में हम कुछ और करते हैं और घर में हम कुछ और करते हैं। लेकिन हम सत्संग में आने से हमें पता चला कि हम ये गीता का पाठ पढ़ने से ही हमें पता चला कि हमारी जो बुद्धि है हमने उसमें श्री कृष्णा को बिठाना है। पहले हमें ये होता था कि ठीक है बाहर जाते हैं पहाड़ों में रहकर ही हम भगवान का नाम ले सकते हैं, जैसे हम संतों के बारे में हमें पता चलता था कि वो बाहर रहते तपस्या करते हैं, लेकिन नहीं, हमें इस गोलोक एक्सप्रेस से ही पता चला कि हमारी जो हरेक कर्म है वो हम भक्ति के रूप में भगवान जी को याद करके हम कर सकते हैं। अगर हमने खाना बनाना है तो हमें हरे कृष्ण का महामंत्र करना है, हमने अगर कोई काम करना है उसमें भी हम अपना काम तो करते हैं, लेकिन क्या होता है 24 घंटे हमें मिलते हैं, हाँ सो लिया, सोने के बाद हमने जो काम किया ठीक है, हम एक ये होता था कि हाँ रूटीन है करना है भाई, जैसे होता है ना भी कलेश काटने वाला काम, एक मतलब जैसे हाउसवाइफ छोड़ मतलब कहती है भी हाँ ये करना है, लेकिन अब क्या है वो जो काम है हमारे क्या भगवान के नाम के साथ, भगवान के भजन के साथ, और इतना आनंद आता है जब भगवान का भजन चलता है या हरे कृष्ण का महामंत्र चलता है, हम उस काम को करते हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ निखिल जी, मतलब दिल से इतनी ब्लेसिंग निकलती है, मतलब एक हमारी कोई हेल्प करता है ना, हमने उसको थैंक्स का छुट्टी, एक ये होता है जो आनंद हमें मिलता है, मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी की कुछ भी सुनते हैं, भगवान का भजन सुनते हैं या हम गीता का पाठ सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर ना ऐसे होता है जैसे कोई आनंद मिलता हो। तो मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ, हमें इस 4 पिलर्स का पता चला, हमें हरे कृष्ण महामंत्र हम करते थे ठीक है मतलब सुन लिया, तो हमें ये नहीं पता था कि हमें पंच तत्व की जानकारी बिल्कुल नहीं थी, जो हमें गीता जी और प्रीति जी के माध्यम से पता चली, और हमारी 5 तरह की हेल्थ के बारे में भी बताया कि मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, फैमिली हेल्थ। हमें पता था कि एक बस फिजिकल हेल्थ होती है भाई, योगा किया, पानी पिया, फ्रूट खाया, ये सब किया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इन सब सबसे पहले हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ ही सबसे आगे आती है, जब तक ये सही नहीं होगी हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो मैं अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस भी बताना चाहूंगी कि हम जब छोटे थे ना, हमने कभी अपने मम्मी पापा को देखा नहीं, वो ड्यूटी पे जाते थे शाम को मतलब 5-6 बजे आना, फिर उसके बाद घर का काम करना और ठीक है, हमने कभी नहीं देखा कि कोई दिवाली हुई या होली हुई या कभी सत्संग पे जाना, उनको टाइम ही नहीं मिलता था जाने का। तो हमने कभी मतलब मुझे याद ही नहीं कि अनमेरिड टाइम में हम कभी सत्संग में भी कभी गए हुए, मतलब हमारी बुआ वगैरह थी वो निरंकारी जी का होता था, तो हमने एक आध बार मतलब माइंड में है कीर्तन हुआ था तो वो मतलब वहां जाते थे, और हमें मतलब कुछ नॉलेज ही नहीं थी कि क्या है कीर्तन। तो मेरी शादी हुई तो लोकल मैरिज हुई तो हमारे घर के बाहर ही ना कीर्तन होता था, तो मतलब उनको कोई मंदिर नहीं था, कुछ भी नहीं था, बाहर दरिया बिछती थी, कोई ना कोई आता था, पहले फर्श वगैरह धो देता था, दरिया बिछा देता था और वहीं कथा होती थी, तो मेरी सास भी वहीं जाती थी, तो मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं बाहर से थल्ली पे बैठ गई, वो सत्संग देखती रहती थी,
मेरा बहुत दिल करता था कि मैं सत्संग पे जाऊं। तो हमारे यहाँ पर बस मम्मी बुलाती थी, भाई किसी का बर्थडे हो तो तू प्रसाद लेकर आ जाइयो। तो मुझे जब वो भजन बोलते थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे बहुत ज्यादा। मेरा जो कंठ होता ना वो रुक जाता था, मेरे ऐसे मेरे बहुत रोंगटे खड़े होते थे, ना मैं रो सकती थी, मतलब रोती भी थी, सब ये समझते थे शायद घर से दुखी है, कोई पानी ले आ जाए, पानी ले आता था। वही मैं कहती हूँ कि जब कथा हो रही होती है ना सुबह की, नहीं पता होता निखिल जी को किसकी जो भक्ति है कि परसेंटेज पे आगे बढ़ रही है, हमें नहीं पता होता। तो वो मजाक उड़ाते थे। तो जब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो मैंने उस दिन भगवान का शुक्र अदा किया और मैंने शाम को उनको ट्यूशन भेज के मैंने भगवान के हाथ जोड़े और मैंने कहा शुक्र है बच्चे ट्यूशन चले गए, अब मैं कथा पे जा सकती हूँ। तो मैं कथा पे जाती थी, लेकिन जब वहां पर कोई कथा होती कोई भजन बोलता तो मैं सुन नहीं सकती थी, बहुत मेरे को कुछ होता था वहां पर। तो मेरे को ऐसे लगता था घर आके भजन सुनना तो मेरे को ऐसे लगता था जैसे कोई भगवान जी की जो छत्र छाया होती है ना वो मतलब आसपास घूमती थी, बहुत मेरे को बहुत कुछ होता था उसमें। तो मैं अपनी आंखें ही बंद नहीं करती थी, मैं आंखें बंद करूंगी तो मुझे कुछ होने लग जाएगा। तो वो मेरा चलता रहा कथा के लिए। तो अब 2-3 साल से मैं कथा पे नहीं जाती थी, मेरे को उस कथा पे पता नहीं क्यों आनंद ही नहीं आता था। तो मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ कि पता नहीं कैसे कहते हैं ना कि आपको गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो गुरु क्या होता है, खुद ही आपके पास आपके पास पहुंच जाते हैं। हमें क्या होता है, हम जब बाहर कथा पे जाते हैं तो हमें बहुत मतलब हमारे दिखावे आडम्बरे होते हैं ना, भैया हमने कपड़े डालने हैं कंघी करनी है, तो वो सब करने की अब जरूरत नहीं है। हम जैसे मैं सही बताऊं जैसे जिस कंडीशन में होते हैं मतलब हमारे कपड़े जैसे हैं हम वो कथा सुन लेते हैं। तो अब मुझे जब से ये कथा मिली है ना, मैं सही बताऊं निखिल जी मुझे अब वो जो पहले मेरी कंडीशन थी ना मेरे को सेम वही के वही अब नजर आती है। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ निखिल जी बहुत ज्यादा कि आपने मुझे इतना अच्छा सत्संग दिया। और मैं एक और बताना चाहूंगी कि हम कुछ टाइम पहले ना शनिदेव के मंदिर गए थे। तो पहले हम क्या होता था, हमने वृंदावन भी जाना है, तो वृंदावन जो है हमारे यहाँ से सिर्फ 1.25 घंटे का ही रास्ता है, 1.25 घंटे के डिस्टेंस पे ही है वृंदावन। तो हम कभी वृंदावन जाते हैं कहीं पर भी तीर्थ पे जाते हैं ना एक दूसरे की बुराई करना, कभी किसकी कभी किसकी। तो मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी, तो हमारे हाथ में टेलीकाउंटर, मतलब हमने कोई बात नहीं करी, सिर्फ टेलीकाउंटर था और हमारे हरे कृष्ण का महामंत्र था। हमने रास्ते में तो हमने वहां पर परिक्रमा दी, तो हमारी मतलब थॉट इस सत्संग में आने से ऐसे चेंज हुई कि हम जब जा रहे थे ना तो सुना था कि रास्ते में हम जो परिक्रमा करते हैं ना वो पथरीला रास्ता है, तो हमने सुना कि वहाँ रास्ते में ना दरिया रखी रहती है, तो कोई दरिया नजर नहीं आई। तो मैंने मेरी सिस्टर को कहा कि यहाँ पर तो दरिया वगैरह नहीं है। तो हमारे आगे थोड़ा और आगे जाने पर हमें 2 दरिया मिली। उस दरिए पे मतलब जो हमारे पैर जो कंकर रास्ता था पैर दर्द कर रहे थे, तो वो उस दरिए पे इतना आराम मिला। तो हमने कहा देख ये ऐसे है जैसे हम इस संसार में रह के हम दुखों को भी झेलते हैं सब कुछ भी करते हैं, ये जो दरिया है ना ये भगवान का नाम है, जो हम भगवान का नाम लेने से हमें आराम मिलता है, हमारे शरीर को हमारी आत्मा को आराम मिलता है। तो मैं बहुत बहुत आपका थैंक्स करती हूँ निखिल जी, बहुत मतलब दिल से आपके लिए ब्लेसिंग निकलती है। आप क्या करते हो आपको खुद नहीं पता जो हमें आनंद मिलता है। मैं बहुत बहुत आपकी थैंक्सफुल हूँ निखिल जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अनिशा जी, बहुत ही प्यारे भाव हैं आपके। देखिए सरस्वती जी को फिर से एक बार आभार, एक और ब्यूटीफुल डिवोटी को उन्होंने इंस्पायर किया, बहुत ही प्यारे भाव हैं आपके। और ये आपने सच कहा एक्चुअली, जब हम बाहर जाते हैं तो बिकॉज मैक्सिमम लोगों को ज्ञान नहीं है ना, तो जैसे अश्रुधारा बहना या किसी की रोंगटे खड़े हो जाए या वो किसी का भक्ति भाव ज्यादा होगा ना तो सामाजिक लोग उसको बड़ा बुरा फील कराते हैं, उसको लगता है उनको लगता है कि पागल वागल है क्या ये लोग, क्योंकि उसको लेना देना नहीं है, लोगों को लेना देना नहीं है, तो उसमें क्या होता है। और मैक्सिमम लोगों को ज्ञान भी नहीं होता है, तो जो आपकी प्रगति हो रही होती है, क्योंकि ईश्वर के लिए रो पाना ये बहुत ही उच्च अवस्था होती है भगवान के रास्ते में, क्योंकि उसका मतलब है आपके भाव जागृत होते हैं भगवान के लिए। और ईश्वर के लिए रोना और संसार के लिए रोना दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं,
के लिए रो रहे हो तो कितने पाप करते जा रहे हैं आपके, और आपके भक्ति भाव बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिटी प्रेम बढ़ रहा है आपका ईश्वर के लिए, है ना। तो अब घर पे हो, अपना सत्संग भी लगा लिया, अगर आ भी गया शुद्धारा, ये तो भक्तों के बीच में तो ये बात को कोई दबाने की जरूरत नहीं होती, अच्छी बात है। अगर रोना आ रहा है आपके भाव देख के और 10-15 को भाव आएंगे, भाव ही तो है भक्ति, अस्तिविटी फीलिंग्स है ना वो, तो आपके अंदर बहुत ही शुद्ध भाव आ गए हैं, और ऐसे ही आप आगे चलते रहें, डिवोशन में ग्रो करें, बहुत सारे लोगों को आप प्रेरणा दे सकें, बस ये प्रॉमिस हमें जरूर कीजिएगा। ये आपने सच में कहा, हमें भी नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। रियलिटी है कि हम कर ही रहे, सब कुछ भगवान कर रहे हैं ना। देखिए मुझे कहां पता चलेगा, मैं तो 2009 से बस मुझे लगा चलो अपने भाई को या कजिन को फोन करता हूँ। आप थोड़े सोचिए ना, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो ऑस्ट्रेलिया आया हुआ, तो मुझे लगा फोन करता हूँ यार भगवद गीता से मेरे को हेल्प हो गई, क्यों ना इनको भी कॉल करूँ, क्या पता इनको भी हेल्प हो जाए। वहां से शुरू हुआ, मुझे तो अभी तक भी समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। तो अब ये भगवान, तभी तो हम कहते हैं कि ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी व्यक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैंने फील की है, बिकॉज कृपा शक्ति है ना। अदरवाइज आप सोचिए, एक बच्चा फॉरन आया था पढ़ाई करने के लिए, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो एक्सीडेंट होने के बाद उसको धर्म नाम से तो डिवोशन से तो मुझे कोई लेना देना नहीं था, हम तो पूजा पाठ करने वाले लोग ही नहीं थे। वो कैसे भगवान पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर देते हैं और कैसे इतना बड़ा कारवा बन जाता है। तो हमेशा ये मैं बात इसलिए बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये बात रियलाइज करो, अगर मेरे साथ ये सब हो सकता है तो आप सबको तो एक बना बनाया मंच मिल चुका है, तो आप लोग क्यों नहीं प्रचार कर सकते। अगर मेरे माध्यम से प्रचार हो सकता है, जब कोई मंच नहीं था, तो वीडियोज नहीं थे, पॉडकास्ट नहीं थे, इस तरह का कोई हमारी फीलिंग्स नहीं सुनता था उस समय पे, का स्ट्रक्चर में रितेश जी मुझे ज्ञान मिलता होगा कि कोई मुझे समझा रहा हो ऐसे करो वैसे, कुछ नहीं था, स्ट्रक्चर नहीं था। फिर भी अगर ये सब हो पाया तो आप सबको अब इतना ऑर्गेनाइज तरह से एक बिल्कुल ट्यूशन क्लासेस लगी हुई है आपकी भगवद गीता की पढ़ने की, तो आप सब क्यों नहीं भगवद गीता का ज्ञान को बांट सकते, बांट सकते हैं नहीं बांट सकते जी? बिल्कुल 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 बांट सकते हैं जी, हमारे लिए तो बहुत ही आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया जी अब ये सब जी, बहुत आसान हो गया है। और यही युग का जो ये समय चल रहा है ना, इसके लिए सबसे बेस्ट मॉडल ये है, बिकॉज रियलिटी यही है कि मैक्सिमम लोग ओल्ड एज वाले लोग अलग कारणों से बाहर नहीं जा सकते, किसी कोई अपनी बेटे के साथ हैदराबाद में रह रहा है, कोई बैंगलोर में रह रहा है, उनके लिए अलग मुश्किलें हैं, हाउस वाइफ अलग रीजन से बाहर नहीं जा सकते, बिजनेस वाले लोग अलग रीजन से अपना टाइम बना के सत्संग में नहीं जा सकते। लेकिन जो ऑनलाइन है उसमें आपको कहीं नहीं जाना, सत्संग आपके पास आ जाता है, और आजकल ऑलमोस्ट हर बंदे के पास स्मार्टफोन इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल है, इसलिए ये वाले मॉडल से घर घर मंदिर हनुमान मंदिर बनाना बहुत आसान है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, एवरेज बंदा आज की डेट में ना 7-8 घंटे फोन पे या अपने टीवी पे है, वो आदत पड़ गई हुई है जनता को, सुबह से लेके लोगों के घरों में टीवी शुरू होता है, बिजनेस में भी जाएंगे तो टीवी टीवी ऑन रहता है, अखबार न्यूज चलता ही रहता है, या फिर स्मार्टफोन या फिर टीवी। रितेश जी कह सकते हैं कि इंसान के आसपास 8-10 घंटे टीवी और फोन चल ही रहा है हर समय। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है। तो 8-10 घंटे जो टीवी और फोन चल रहा है ना, अगर उसमें सारा कंटेंट डिवोशनल हो जाए, वो जो देखा जा रहा है और सुना जा रहा है वो टीवी और फोन के थ्रू, अगर वो भक्तिमय हो जाए, बन गया घर घर मंदिर मंदिर, और क्या करना है, कितना सिंपल है, कुछ भी और नहीं। टीवी तो आपके पास ही है, स्मार्टफोन तो आपके पास ही है, सत्संग सुनो, सत्संग लाइव मिल जाए तो लाइव सुन लो, तो पॉडकास्ट सुन लो, राइट, वीडियो देख लो, ठीक है। अब तो सूर्य के सत्संग यूट्यूब पे आना शुरू हो गए हैं, तो इस तरह से घर घर मंदिर। और आप सबको क्या करना है, आपको जरूरी नहीं है भगवद गीता पढ़, आप लोगों को जैसे सरस्वती जी ने आपको धक्का दिया, मोटिवेट किया, आप भी अपने एक फ्रेंड को मोटिवेट कर दो, ऐसी कारवा बड़ा होता जाएगा, आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी बाद में, वो भी आपको बाद में खूब ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और जब हम किसी और को परिवर्तन होते हुए देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। आई एम श्योर अब गीता जी रितेश जी जो आनंद लूट रहे होंगे, वो उनको अपने जीवन के बदलाव देख के उतना मजा नहीं आता, जब हमारे माध्यम से लोग बदलते हैं भगवत कृपा से तब ज्यादा मजा आता है। रितेश जी कह सकते हैं ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। अभी निखिल जी अनिशा जी जब बात कर रहे थे ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस वक्त, क्योंकि उनके भाव बहुत बढ़िया हैं, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ना वो मेरे साथ रिलेट भी करते हैं। जब भी मैं भजन गाता हूँ या मंदिर जाता हूँ, प्रभु श्री हरि के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, तो पता नहीं क्या होता है, वो अश्रुधारा जो है ना,
वो खुद ब खुद बहने लगती है। तो इनके भाग बहुत बढ़िया हैं और इस चीज को हम बहुत अच्छे से जो है वो समझ सकते हैं जी। और बहुत आनंद आता है ये सब देख के सुन के, जब डिवोटीज की बातें हम सुनते हैं, उनके साथ तरह तरह के डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं वो जब हम सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है जी, बहुत आनंद आता है। भक्ति का रस भी कुछ और हो जाता है ना, जब भक्तों की कॉन्वर्सेशन होती है ना, उसमें दिल लगाना बहुत आसान है। किसी को बोलो कि जाके अकेले ना चुपचाप बैठ के माला करो ना 6 घंटे, भाई मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते, बट वही थोड़ी कॉन्वर्सेशन है, सबके एक्सपीरियंसेस सुनो। अब भाई मुझे बताइए कौन सा ऐसा डिवोटी इसका मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, अभी हम लोग कहते हैं ना मन नहीं लग रहा, बट भक्तों की फीलिंग्स में इतना रस आ जाता है कि एकदम मन लगना शुरू हो जाता है। देखो मेरी तो बहुत सारी माला पता कब होती है, अभी मैं सत्संग करा रहा, अभी आपके साथ हूं ना मैं, तो अभी मेरी ना 18 माला भी हो गई, क्योंकि इतना दिल लग जाता है। भक्तों की बात सुन रहे हो, साथ साथ में माला हो रही है, एकदम फटाफट भगवान की बातें सुन रहे हो और भगवान का नाम ले रहे हो, फटाफट तेज होना शुरू होता है। ऐसे फिर भी अकेले बैठ के मन भटक सकता है, पर जब भक्तों की फीलिंग्स होती हैं, डायरेक्ट दर्शन हो रहे होते हैं ना उसमें भगवान की प्रेजेंस के, अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। तो आप सबकी फीलिंग्स जान के बहुत आनंद आया। गीता जी, रितेश जी, एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। क्यों ना अब हम फीलिंग्स वाला कल फिर से कंटिन्यू करें। आई थिंक अभी 5-6 डिवोटीज हैं, तो आज हम एक आदर एक डिवोटी से भजन सुन लेते हैं। रितेश जी, हरी हरी बोल। हमें आज मोनिका जी और नताशा जी सुनाने जा रही हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा निखिल जी, अभी हम लोगों ने अनिशा को सुना और लास्ट जब हमारा सत्संग हुआ था तो हम लोगों ने रिम्पी जी और नीलम जी को सुना था। तो रिम्पी जी, नीलम जी और अनिशा जी, ये तीनों जो है वो आपस में सगी बहने हैं एक्चुअली जी। उनको पहले हम सुन चुके हैं और आज हमने अनिशा जी को सुना। और अनिशा जी, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपके जो ये शुद्ध भाव है ना उनको कोटि कोटि प्रणाम है, आप वाकई में बहुत ब्लेस्ड सोल हैं। तो चलिए मोनिका जी और नताशा जी, प्लीज आप भजन। नहीं, थैंक यू रितेश जी, आपने बताया, मुझे बड़ा आनंद आता है जब ये पता चलता है कि सारे भाई या बहने या देवरानी जेठानी या सब, क्योंकि यही घर घर मंदिर है ना, हर हनुमान मंदिर, तो बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। और जो भक्तों के भाव होते हैं ना, देखो उनको भी तो एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, नहीं तो अभी पहले क्या बताया अनिशा जी ने कि जब वो बाहर जाते हैं ना उससे बंदा डर जाता है, यार मेरे को क्या हो जाता है, मेरा रोना क्यों निकल जाता है, क्योंकि क्रिटिसिज्म मिल जाता है या नॉलेज नहीं होती, तो फिर इंसान ना उन फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करता है, बढ़ाने की जगह दबाने की कोशिश करता है। जबकि सत्संग में आता है तो उसको पता चलता है, यार ये तो बड़ी मेरी अच्छी क्वालिटी है, मेरे अंदर भक्ति भाव आ गया है, ये तो बड़े विरले लोगों के साथ होता है, तो उसको प्रोत्साहन मिलता है कि भाव आ रहा है। संसार की जगह रोने की जगह ईश्वर की जगह रो, यही तो भक्ति है, क्योंकि संसार की जगह तो सारे रो रहे हैं, उसको रोगे आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। भगवान को याद करके अगर आप रोगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो यही तो आपकी प्रोग्रेस के साइंस है ना, ये पता होगा और फिर उसमें अप्रिसिएशन मिलती है, तो उसमें क्या होता है फिर भक्त डरता नहीं है, फिर उसकी डिवोशनल प्रोग्रेस और होना शुरू हो जाती है ना। तो गीता जी, एक बार फिर से आपका थैंक यू। रितेश जी, मोनिका जी, आप गीता जी, सॉरी हाँ बोलिए। बताना चाहूंगा निखिल जी, एक सेकंड दो सेकंड लूंगा मैं, कल ना राकेश जी, मैं और गीता जी गए हुए थे वहां पे, कोई उन्होंने पार्टी बुला रखी थी जो लोग भजन कर रहे थे ना, तो मुझे गीता जी ने कहा कि टेसी कॉपीज लेके जानी है, मैंने कहा बिल्कुल लेके चलेंगे, कोई पता थोड़ी होता कब कैसे कहां मौका मिल जाए और भजन हो, और मतलब कि मुझे प्रभु जी कितनी ब्लेसिंग्स है मौका मिल जाता है जी। जब वहां गए सिचुएशन देखी हम लोगों ने, मैं चेयर पे बैठा हुआ था वहां पे, और गीता जी ने, बिंदु जी वहां पे थे, निधि जी वहां पे थे, कुदरती माइक मिल गया लोगों को, तो इन लोगों ने भजन शुरू कर दिया और इन्होंने ना भजन स्टार्ट किया, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, और मेरे ना रोंगटे खड़े होकर पता नहीं कब मैं वो चेयर से उठाऊं, कब मैं वहां जाके बैठ गया, माइक मैंने ले लिया उन लोगों से, और जो मैं शुरू हुआ ना निखिल जी, महामंत्र किया पहले हम लोगों ने और भजन, और सब लोगों ने ऐसे आ करके देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है, ये कौन लोग है, ये कहाँ से आ गए, ये कौन गा रहा है, और मुझे कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं कौन है नहीं, और जो गीता जी को डरा तो नहीं दिया आपने, गीता जी को टेंशन तो नहीं होगी बाबा बन के घर छोड़ गए तो क्या होगा मेरा? भैया इसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी,
कि हम दोनों जहाँ भी जाते हैं इकट्ठे ही जाते हैं, तो हम अगर आगे जाएंगे भी ना तो बस इकट्ठे ही चलेंगे, एक दूसरे को जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच निखिल जी, आपके ही माध्यम से जो है वो पॉसिबल हो पाया है। हरी हरी बोल। हरी, देखिए हमारा मॉडल ना कहीं जाने का नहीं है, हमारा मॉडल जहाँ है वही वृंदावन बनाने का मॉडल है, जहाँ जाओ वहां वृंदावन बनना चाहिए। बिकॉज रियलिटी यही है कि जहां भक्ति भाव होता है वहां तीर्थ बन जाता है, जहां प्रभु का सत्संग होता है वही तीर्थ। अभी ये तीर्थ में है, एक इंसान वृंदावन में एज ए टूरिस्ट गया, उसकी भक्ति की प्रगति नहीं हो रही है। एक इंसान घर में बैठा हुआ ऑनलाइन और डिवोशन में खोया पड़ा है, वो तीर्थ में पहुंचे हुए हैं बिकॉज उसका ध्यान लग गया है भगवान में। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। अनिशा जी ने एक रिक्वेस्ट की है, उनको एक मिनट फिर सुन लेते हैं, कुछ कहना चाहती है। अनिशा जी क्या कहना चाहते हैं आप? हरी हरी बोल जी। निखिल जी मैं ना भगवान जी के सिर्फ दर्शन कराना चाहती हूँ, हमारे घर में ना भगवान जी का श्री विग्रह विराजमान है, अगर आप चाहो तो। हरी हरी बोल जी, बात नहीं करवा दीजिए, दर्शन करवा दीजिए। जब भी डिवोटीज अपनी फीलिंग शेयर करते हैं तो जो भी डिवोटीज उस समय अपने भगवान के दर्शन कराना चाहें तो उसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं है, वो दर्शन करवा सकते हैं। जय हो श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। बहुत ही दिव्य दर्शन आपने हमें करवा दिए, थैंक यू अनिशा जी। डायरेक्ट लाइव हमें दर्शन भी हो गए और आपके प्यारे प्यारे भाव भी सुनने को मिल गए। अब हो सकता है हम सब भी थोड़ी डिवोशनल प्रोग्रेस हो जाए, एक दूसरे से सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारे दर्शन है, बहुत प्यारे, थैंक यू सो मच। क्या नाम रखा है आपने भगवान जी का, क्या कहते हो आप उनको? राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, क्या नाम रखा हुआ है आपने भगवान का? निखिल जी इसके पीछे भी है कि मैंने ना इनको बेटा और बहू बनाया हुआ है, तो मेरे को ना सारे मतलब कहते थे कि तेरा बेटा तो है नहीं तो प्रॉपर्टी किसके नाम होगी, वो तो सब देवर वगैरह ही ले जाएंगे, उनके बच्चे ले जाएंगे। तो इस सत्संग में आने से मुझे पता चला कि जो जिसका किस्मत का होता है ना उसको मिलता ही मिलता है। तो मैं बच्चे अगर कहीं बाहर भी जाते हैं ना तो मैं इनको ये कहती हूँ कि बेटा तू जा और अपनी बहनों का ध्यान रख। हरी हरी बोल जी। हरी हरी, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने किया अनिशा जी। और सास बहू के झगड़े तो नहीं होते आपके राधा रानी के साथ? उसको भी एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच अनिशा जी, बहुत प्यारे नहीं नहीं हरी हरी चलिए बहुत अच्छा। निखिल भैया, मोहिनी मोहिनी आंटी जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मम्मा आइए प्लीज। हरी बोल, आप ब्लेसिंग दीजिए सबको। हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। आज का सत्संग सुना मैंने, बहुत ही मजा आया सुनने का, और दो दिन मैंने पहले भी गीता जी का सत्संग सुना, बड़ा ही आनंद आ रहा था। तो मैं आज सफर पे ही हूँ, तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं, गाड़ी में ही हूँ, तो मैंने सोचा आज तो मैं जरूर ही बोल देती हूँ। और आप सबको रितेश जी, गीता जी, नताशा जी और वो मोनिका जी, सब ने ही अपना अपना इतनी अच्छी मेंटरिंग करी है ना, तो मैं सबके जब रिव्यू सुनती हूँ ना तो लगता है कि इतना अच्छा सबने गाइड किया है सबको, तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। और जब आज सबके रिव्यू सुन रही थी तो आंखों में ना जैसे भावुक हो जाता है। अभी मैंने अभी जो पहले का अंशिका जी की किसका सुना, सब डिवोटीज के, हाँ अनिशा जी, तो सबके डिवोटीज के सुन रही थी, तो मैं ये सोच रही थी ये तो प्रभु कृपा के साक्षात दर्शन ही दिख रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत, आप सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप सब ऐसे ही मिलजुल के चलते रहे। और हम सोचते हैं ना कि जो भागवत गीता मैंने एक बार सुन ली है, कोई बोलता मैंने किसी की एक बार पूरी हुई, किसी की दो बार हुई, तो हमें भागवत गीता को जितनी बार भी पढ़ेंगे सुनेंगे सच में ही हमें हमेशा ही नया सीखने को मिलता है। तो मैं अपना भी बताऊं ना एक मिनट के लिए कि जब भी मैं भागवत गीता को पढ़ती हूँ ना, मेरे को कभी नहीं लगा कि मैंने ये पता नहीं कितने बार सुन ली है। और जैसे भागवत गीता का 10th चैप्टर में हम यही बोलते हैं ना कि और भगवान हमें और सुनाओ और सुनाओ, अब ऐसे ही लगता है कि जैसे ही हम भगवान की लीलाओं को, भगवान की बातें, भगवान की कहानियां सुनते हैं ना, तो ये अंदर से जो हमारे विकार है, विकार बहुत ज्यादा है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। तो ये बहुत ही सच में दिव्य सत्संग ही लगता है कि निखिल की
भगवान की कितनी कृपा हुई है निखिल के ऊपर कि जिसके माध्यम से ये प्लेटफॉर्म मिला और हम सब इतने प्यारे प्यारे डिवोटीज की जब वो सुनते हैं ना अनुभव, तो बहुत ही कुछ अंदर से हमको भी इतना होता है ना कि हम भी इसी तरह करें, हम भी भगवान के इस रास्ते में ऐसे ही बढ़ते रहे। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब ऐसे ही भगवान के रास्ते में बढ़ते रहे। और जो निखिल का विजन है कि घर घर मंदिर, हर हर मन, हर मन मंदिर, ये सबका ही विजन लग रहा है, आपका जो सत्संग सुनने इससे लग रहा है, तो मैं सबका एक बार फिर आभार प्रकट करती हूँ कि इतना आप सब इतने इतने अच्छे रिव्यूज दे रहे हो। और आप गीता जी, रितेश जी, ऐसे ही बस अपना ज्ञान बांटते रहो, सीखो और सिखाओ। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए और हरि नाम की भक्ति में हमेशा सुख पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मम्मा थैंक यू। चरण वंदना। देखिए एक डिवाइन एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मम्मा के हालात इतने खस्ता हो जाते थे चंबा और पठानकोट में, इनको एवोमीन खाओ, सोए पड़े होते थे, उल्टियां मार रहे होते थे। हमेशा बोलते थे मैं चंबा में कहाँ फंस गई हूँ उस तरह से स्टार्टिंग में, क्योंकि वो हम भी बोलते थे कि ट्रैवलिंग में ना बहुत तबीयत खराब होती थी। आज मुझे हैरानी हो रही है कि मम्मा वो उसी रास्ते में आराम से बैठे हुए हैं, फ्रेश लग रहे हैं। देखिए और सत्संग में रिव्यू देना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मली हालात आपको याद होगा मम्मा कैसे होते थे आपके। हरी हरी बोल। हाँ जी, हरी हरी बोल। जैसे मैंने कल भी आना था तो मैं मना ही कर रही थी, बाकी फैमिली आ रही थी, मैं क्या मैंने नहीं जाना, मेरी तबीयत खराब हो रही है बड़ी। तो दो दिन, थोड़े दिन पहले हम ब्लेम माता गए तो बच्चे ने भी शाया हुआ था शिमला से, और तीन बार मेरे को इतनी तबीयत खराब हुई, गाड़ी रोकने पड़ी। और कल मैंने एवोमीन खाई थी और आराम से आ गई, और आज भी एवोमीन खा के आई हूँ। वो सब लंच के लिए रुके हैं कृष्णा में और वो वहां चले गया। मैंने कहा आज मैं थोड़ा देख लेती हूँ कि कैसे आता है, तो मैं गाड़ी में ही शीशे बंद करके बैठी हुई हूँ। तो ये मेरे को लगा कि आज तो भगवान की कृपा ही हुई मेरे पे, जो निखिल बोल रहा है ना कि कितनी तबीयत खराब होती है, ये सच में। और ये हरि नाम की शक्ति है जो हम ये कर पा रहे हैं। और मेरे को बोलने की हिम्मत आई, जो मैं एक वर्ड भी बात भी नहीं करती गाड़ी में, बिल्कुल बात नहीं करती, और आज मैं अपना इतने मजे से दे भी पाई, ये क्या है, ये सब प्रभु के कृपा के दर्शन ही है। मेरा सच में डिवाइन एक्सपीरियंस निकल गया, तो मेरा भी यही डिवाइन एक्सपीरियंस। मम्मा को हमने देखा ही नहीं आज तक, ट्रैवलिंग करना मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती है। उसने बैठ के अपना शांति से रिव्यू देना, वेरी नाइस, थैंक यू मम्मा। हरी बोल। रितेश जी, गीता जी आप कहना चाहते हैं, फिर हम भजन की तरफ चलेंगे। बोल जी, हरी बोल। थैंक यू वेरी वेरी मच। देखिए आज का दिन वाकई बहुत ब्लेस्ड है हमारे लिए, निखिल जी भी आए हैं, उनके मदर भी आए हैं, और एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद है आंटी जी, क्योंकि प्रभु जी की वाकई में बहुत ब्लेसिंग्स हैं, मगर साथ में आप लोगों का प्यार, जो आप साथ साथ जो अपना कॉल को म्यूट कर लीजिए मामा, एक मिनट कॉल को म्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी, रितेश जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि प्रभु श्री हरि की कृपा तो बिल्कुल बरस रही है हम सबके ऊपर, मगर हमारे बड़ों का प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग, और निखिल जी का जो है वो विजन जो है ना, तो ये सब हमारे लिए वाकई में बहुत खुशनसीब है हम लोग, जो हम लोग गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़े, और हर घर मंदिर, हर मन मंदिर का जो निखिल जी का विजन है उसको सार्थक करने में जो है वो हम लोग सहयोग कर पा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। गीता जी प्लीज। हाँ जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। सच में आंटी जी बहुत बहुत आनंद आया और आपकी ब्लेसिंग्स मिली, तो बहुत बहुत आपका आभार। गीता जी, आई थिंक आपका ना वीडियो उल्टा हो गया है, वो बैक साइड पे चला गया। गीता जी आपका वीडियो ना उस तरफ चला गया, आई थिंक साइड ऑपोजिट हो गई है उसकी।
हाँ ठीक हो गया जी। हाँ जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका जो ब्लेसिंग्स मिली आज के दिन, मैं बहुत ही जो है वो खुशकिस्मत अपने आप को जो है वो महसूस कर रही हूँ। तो बस आप इसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बनाए रखें, निखिल भैया का प्यार बना रहे और इस डिवोशन के रास्ते पर जो है वो हम आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए अब हम चलते हैं मोनिका जी और नताशा जी की तरफ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। एक सेकंड, और आप सब इतनी इतनी प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हो, इस प्रभु के चरणों में ये सब अर्पित है, ये भगवान का हम बार बार यही धन्यवाद करती हूँ कि ये भगवान अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। हरे हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मोनिका जी, नताशा जी, हरी 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 बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आज का सेशन बहुत ही प्यारा और दिव्य रहा, और मोहिनी आंटी जी आपका आशीर्वाद हमें मिला, हमारे लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग की बात है। और निखिल भैया जी, नितिन भैया जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपने अपना ये कीमती समय हमारे लिए निकाला है, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम सभी डिवोटीज जो हैं उन्होंने अपनी अपनी फीलिंग शेयर की, अपनी लर्निंग शेयर की। और जैसे अनीशा जी के बारे में कहे तो सच में सबने अपने अपने भाव भी रखे, तो इतने प्यारे प्यारे भाव को देखकर सच में हमारी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। तो सच में भैया जी, ये जो कुछ भी हम सब महसूस कर रहे हैं, ये सारा श्रेय हम आपको देते हैं, अपने गुरुजनों को देते हैं, क्योंकि अगर आप गुरुजन हमें ना मिले होते तो हम ये जो हमारा जीवन है इसका लक्ष्य हम तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। हम तो मैं तो यही समझती थी कि ये जो जीवन है पता नहीं खाने पीने के लिए है, या जैसे हम ये जीवन जी के हम अंत समय में चले भी जाएंगे, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता था कि हमें ये जीवन मिला क्यों है। लेकिन सच बोलूं, ये गोलोक एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म भैया जी आपने इतना प्यारा बनाया है कि जितना भी मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझूं बहुत कम है। तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। अंत में भैया जी मैं भी बताती हूँ कि हम दोनों की तरफ से आपका, नितिन भैया, हमारे मेंटर्स गीता जी, रितेश जी और यहाँ पर उपस्थित जो भी सीनियर मेंटर हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। वैसे तो परमपिता परमात्मा ही हम सबके गुरु हैं, इसलिए आज हम दोनों परमपिता परमात्मा प्रभु श्री हरि जी के चरणों में और आप सभी गुरु जी जनों जी के चरणों में ये भजन शेयर करना चाहते हैं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है, ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, तारीफ क्या करूं इस दीन दाता की, दयालु नाम है। ओ तारीफ क्या करूं इस दीन दाता की, दयालु नाम है। दीन दुखियों के दामन को भर देना गुरु का काम है। ओ दीन दुखियों के दामन को भर देना गुरु का काम है। ओ लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर को इस माल ने सवारा है। लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर को इस मालिक ने सवारा है, ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो
ले गुरु का नाम। क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, गुरु को याद कर। हो क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, गुरु को याद कर। हो क्या सोचता है अनमोल जीवन को, ना तू बर्बाद कर। हो क्या सोचता है अनमोल जीवन को, ना तू बर्बाद कर। हो सौंप दे पतवार, सौंप दे पतवार, फिर तो पास में किनारा है। सौंप दे पतवार, सौंप दे पतवार, फिर तो पास में किनारा है। ये सबका पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, कौन तेरा है क्या साथ जाएगा, गुरु का ज्ञान कर। ओ कौन है तेरा क्या साथ जाएगा, गुरु का ज्ञान कर। हो व्यर्थ है काया, धोखे माया है, गुरु से पहचान कर। हो व्यर्थ है काया, धोखे की माया है, गुरु से पहचान कर। मनवारे नादान, मनवारे नादान, तूने गुरु को क्यों बिसारा है। मनवारे नादान, मनवारे नादान, तूने गुरु को क्यों बिसारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम। हरि हरि बोल जी, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। अपने कान्हा माता जी, गोपाल जी, हरि हरि बोल, हरी हरी बोल, जय हो जय हो। थैंक यू सो मच मोनिका जी, नदा जी, बहुत प्यारा भजन, बहुत प्यारे दर्शन। एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। जड़ी बूटी रह गए हैं, कल हम सेम टाइम पे मिलेंगे, उनको जरूर मौका देंगे हम। थैंक यू सो मच। सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 राम,